हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी भक्तों का हमारे आज के इस डिवाइन सेशन में। और बड़े दिनों के बाद एक मौका मिला है कि आप लोगों से मैं पूछूं कि आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है ये टॉपिक का नाम सुन के। तो थोड़ा सा हम लोग इस प्लेटफॉर्म को ओपन करते हैं, ओपन फॉर ऑल, ताकि आप लोग पार्टिसिपेट करें और अपने विचार थोड़ा सा बताएं, कोई बताना चाहें। अच्छा, अरे बड़ा अच्छा है। संसार एक क्रिकेट मैच की तरह है, फिर फिक्स होते हैं कि जैसे सटोरी प्लेयर्स को खेलने को बोलेगा वो भी बोलेंगे, उसी तरह जीवी माया के जाल में फंसकर उन्हीं के अनुसार कार्य कर रहा है। बहुत अच्छा। द थिंग्स विच इज प्री प्लान, द थिंग विच इज प्री प्लान, वेरी नाइस। बहुत अच्छा। एक आध और कोई तुक्के मारना चाहे, खेलने का अवसर दे रहे हैं हम आपको। हर चीज भगवान के अनुसार फिक्स है। नटखट कृष्ण बाबू, वेरी इंटेलिजेंट। और एक आध और कोई ले लेते हैं, सब चक्कर में पड़ गए हैं कि क्या ये टॉपिक है। एनीवेज चलो हम आगे चलते हैं, ज्यादा समय नहीं गवाते हैं। तो मैच फिक्सिंग की आज हम बात कर रहे हैं, और पोस्टर में भी आप लोगों ने फोटो देख ली होगी, ऐसा न्यूज में भी आता रहता कई बार। तो क्या होता है मैच फिक्सिंग, एक खिलाड़ी जैसे क्रिकेट में ज्यादातर हम देखते हैं, क्रिकेट से ज्यादा लोगों की फीलिंग्स अटैच रहती हैं, खासकर इंडिया में। तो क्रिकेट में बहुत पैसा भी है, तो वहीं पे ज्यादातर ऐसा होता है। तो एक खिलाड़ी कुछ पैसों के लिए है ना, चंद रुपयों के लिए, थोड़ा फिल्म स्टाइल में, तो कुछ पैसों के लिए वो फिक्स कर लेता है कि ठीक है मैं, अगर वो बैट्समैन है तो फिक्स कर लेता है ठीक है मैं जल्दी आउट हो जाऊंगा, ठीक है ना। और या फिर अगर बॉलर है तो फिक्स कर लेता है मैं ज्यादा विकेट नहीं लूंगा और एक्स्ट्रा बॉल्स डालूंगा, नो बॉल कभी वाइड बॉल ज्यादा ज्यादा, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ कुछ चीजें करके वो मैच फिक्स कर लेते हैं और पूरी की पूरी टीम को हरवा देते हैं, ठीक है ना। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि कुल मिला के उसने सारा पर्पस जो है उस खेल का, उस पर्पस को डिफीट कर दिया, उद्देश्य का ही नाश कर दिया। पर्पस डिफीट करने का क्या मतलब हुआ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इस पे पकड़ के चलिएगा क्लास के दौरान तो इजी रहेगा। तो पर्पस डिफीट करने का मतलब है कि जो चीज का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ही खराब कर दिया जाए। जैसे एक 12वीं क्लास के स्टूडेंट को, अब ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं, माता पिता ने फोन ला के दे दिया स्मार्टफोन कि बेटा ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं तो पढ़ आराम से, लेकिन उसने क्या किया, उसने पर्पस डिफीट कर दिया। कैसे, इंस्टाग्राम डाल दिया, यूट्यूब डाल लिया, यूट्यूबर बन गया, रील्स बनाता है, अपलोड करता है और 12वीं के एग्जाम में फेल हो गया, तो पर्पस डिफीट कर दिया उसने, ठीक है ना। तो उसी तरीके से मैच फिक्सिंग करी, पर्पस डिफीट, बेचारे जो बाकी के मेंबर्स खेल रहे हैं, टीम मेंबर्स जो जीतना चाहते हैं मैच को, उनका पर्पस वो अकेला व्यक्ति डिफीट कर देगा, पूरा पूरा बेकार कर देगा और पूरी टीम हार जाएगी। जो बेचारे लोग, करोड़ों लोग टीवी पे देख रहे हैं, जिनके सेंटिमेंट जुड़े हुए, भावनाएं जुड़ी हुई है, उनका पर्पस डिफीट है ना। फिक्स मैच देखने का कोई आनंद नहीं आता, बेकार हो जाता है पूरा, ठीक है ना। उनको लग रहा था हम जीतेंगे, उनका पर्पस डिफीट कर दिया। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, उसने अपना पर्पस डिफीट कर लिया। उसका उद्देश्य क्या था, एक खिलाड़ी का उद्देश्य होता है कि मैं अपनी टीम को जिताऊं, अपना बेस्ट करके, अपना 100% परफॉर्मेंस डाल के, अपना बहुत ही ऊंचे लेवल का कॉन्ट्रीब्यूशन करके मैं अपनी टीम को जिताऊं, और जब ऐसा करेगा तो मैन ऑफ द मैच भी मिल जाएगा उसको, उसका नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, पैसा मिलेगा, सब मिल जाएगा। तो वो पर्पस को ऊपर रखेगा तो बाकी सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन फिक्सिंग करके उसने वो पर्पस भी भुला दिया। जैसे सचिन कोहली है, सचिन है, कोहली है, और भी लोग हैं, तो टीम के लिए खेलते हैं, अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, तो पैसा भी आ जाता है और फेम भी मिल जाता है, लोगों को ऑटोग्राफ देने को मिलते हैं, खूब सारे ऐड करने को मिलते हैं, कोई ना कोई एक्ट्रेस से शादी हो जाती है, ठीक है ना, तो सब कुछ आ जाता है। लेकिन जरा सा उद्देश्य से दाएं बाएं हुए, सारा खेल खराब, फिक्सिंग कर ली, सारा गेम खराब। और इसलिए इस मैच फिक्सिंग को एक अपराध की श्रेणी में रखा जाता है कि अपराध है। अब अगर आप पकड़े गए मैच फिक्सिंग करते, आपको दंड मिलेगा, ठीक है ना। वो बोलेंगे कि भैया हमने आपको हजारों लड़कों में से आपको सेलेक्ट किया, हजारों खिलाड़ी हैं उसमें से आपको सेलेक्ट किया, आपको टीम में जगह दी, हमने खिलाया, और आपने फिर ये किया, आपने पूरा पर्पस खराब कर दिया।
तो फिक्सिंग का क्या मतलब निकल के आया कि नियम को तोड़कर, नियमों को तोड़कर स्वच्छंद व्यवहार करना और फिर बाद में फिर मार खाना, दंड खाना उसका, ये है मैच फिक्सिंग। तो इसको हम रिलेट कर पा रहे हैं, आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे मनुष्य जीवन से, कि मनुष्य जीवन हमको मिला और पर्पस क्या था? पर्पस था कि मनुष्य जीवन वो द्वार था जिससे हम 84 लाख योनियों से बाहर निकल सकते थे, भगवत धाम जा सकते थे, ठीक है ना। यानी कि टीम में सिलेक्ट कर लिया हमको, हजारों लड़कों को छोड़ दिया, हमको सिलेक्ट कर लिया, यानी 84 लाख योनियों को छोड़ के मनुष्य योनि हमको मिल गई, ठीक है ना। और सिलेक्ट कर लिया कि भाई अब जिताओ टीम को, खेलो और खूब नाम कमाओ आराम से, ठीक है ना। तो मनुष्य जीवन मिला हमको कि आराम से भक्ति करो, आध्यात्मिक जीवन को अंगीकार करो और 84 लाख योनियों से पार हो जाओ, तर जाओ। लेकिन हमने क्या किया, मैच फिक्स कर दिया, नियमों को तोड़ दिया, उद्देश्य को भूल गए और किसमें लग गए, अपने अलग अलग गोल्स बना लिए जीवन के, ठीक है ना। पैसा कमाना लक्ष्य बना लिए जीवन का कि मुझे एक दिन चांद की हाइट तक पहुंचना है, ठीक है ना, अंबानी जितना पैसे वाला बनना है, बड़ा साहब महाराज कहते हैं, एक बार बड़ा साहब मेरे को बनना है, मुझे नेम चाहिए, नाम चाहिए, यश चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ठीक है ना, सुंदर गाड़ी, सुंदर लाड़ी, फॉरेन में सेटल होना है। तो ये सारे हमने गोल्स बना लिए और जो मूल्यवान चीज मिली थी मनुष्य शरीर, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुर है, भागवतम कह रही है कि मनुष्य देह बहुत दुर्लभ है और क्षण भंगुर भी है भैया, फ्रेजाइल है, फ्रेजाइल होते हैं ना जैसे कांच का आइटम, फ्रेजाइल है, आपको पता नहीं है कब किसी देर हाथ में स्लिप हुआ और खत्म खेल। तो ये दुर्लभ चीज मिली थी, फ्रेजाइल चीज, बहुत ही डेलिकेट चीज, और उसको तुमने इतने तुच्छ काम में यूज किया, नेम फेम सुंदर स्त्री गाड़ी ये सब में, है ना। तो कितना गलत यूज है, मैच फिक्स कर लिया। महाराज बताते हैं कि जैसे 84 लाख योनिया है, ये पूरी एक एक अंधियारे कमरे के समान है, जी क्या कहते हैं उसको, जेड ब्लैक, बिल्कुल अंधेरा, घनघोर अंधेरा कि कुछ नहीं दिखाई दे सकता, ठीक है ना। अब उससे अगर हमको बाहर निकलना है, अब कौन किसको पसंद है अंधियारे कमरे में रहना, वहां मच्छर काट रहे हैं, गंदगी है ना, खाने का कुछ, ठीक है ना, हम तो प्रकाश में आना चाहते हैं, अच्छी जगह आना चाहते हैं। तो बाहर निकलना है तो दीवार पे हाथ लगाते हुए, कई बार चलता है ना, लाइट चली जाती है घर में, दीवार पे हाथ लगा लगा के चलते हैं, तो दीवार पे हाथ लगा लगा के चल रहे हैं कि दरवाजा आएगा तुरंत बाहर निकल जाएंगे, और कमरे में एक ही दरवाजा होता है, तो दीवार पे हाथ लगा लगा के चल रहे हैं, जैसे ही दरवाजा आया तो दरवाजा आते ही हमारी किस्मत हमको खुजली आ गई, थोड़ी खुजली आ गई और दरवाजे से को क्रॉस करके आगे बढ़ गए, फिर 84 लाख का चक्कर, फिर दरवाजा, फिर खुजली, फिर 84 लाख का चक्कर, है ना। तो ये चक्कर चले जा रहा है और ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है, ये मेरे साथ नहीं, हम सबके साथ ही हो रहा है, अनंत कोटि जन्मों से ये हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है। कितनी कितनी गलत बात है ना। हमारे पद्म पुराण का एक सुंदर श्लोक आता है, अशीतिम चतुरश्चैव लक्ष्यांस्तां जीव जातिषु भ्रमद्भि पुरुषम प्राप्य तदपि अबलताम जाते तेषाम आत्माभिमानिनाम वराक का नाम अनाश्रित्य गोविंद चरणम द्वय। तो क्या बता रहे हैं श्लोक के अंदर, तो 80 दिन चतुरस्थ्य यानी कि 80 और 4 84 लाख लक्षा यानी लाख जीव जातिशु कि जीव के प्रकार है 84 लाख योनिया, ठीक है ना। और भ्रमत भी पुरुषम प्राप्य, अनंत काल से भ्रमण कर रहे हैं और घूम घूम के भटक भटक के पुरुषम प्राप्य मनुष्य देह मिल गई, तदपि अबलताम जाते तेषाम आत्माभिमानी नाम। और फिर भी ये तदपि वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर भी कब बोला जाता है कि जैसे आपने एक बच्चे को, अपने बच्चे को पढ़ा के भेजा कि स्कूल जा रहा है, ये पढ़ के जा, ये चार क्वेश्चन आएंगे, और पढ़ा के भेजा फिर भी वो जाके वहां गलत कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, अरे मूर्ख तू पढ़ा के भेजा था फिर भी गलत करके आया। तो पुरुष यानी कि मनुष्य देह प्राप्त हो गया फिर भी क्या कर रहा है वो, वराक का नाम अनाश्रित्य गोविंद चरणम द्वय, और फिर भी वो मूर्ख क्या कर रहा है कि भगवान का भजन नहीं कर रहा और 84 लाख योनियों से बाहर नहीं निकल रहा। उसने अपने अलग अलग पर्पस बना लिए जीवन के, मैच फिक्स कर लिया, नियमों को तोड़ दिया, लक्ष्य से भटक गया, तो सब उसने गुड़ ओवर कर दिया। भक्तिदान महाराज एक बड़ी सुंदर स्टोरी सुनाते थे, हम कई बार डिस्कस करते हैं। एक बार एक जमींदार था बंगाल के गांव में, ठीक है ना, उस जमींदार को उसके पास बहुत काम होता था, तो
जो नौकर वो रखता था वो नौकर कभी टिकते नहीं थे, वो भाग जाते थे। तो उसने एक बार अपने मित्र से बोला कि भाई मेरे तो कोई नौकर टिकता ही नहीं है, मैं तो बड़ा दुखी हूँ, परेशान हूँ, इतना काम कैसे होगा। तो नौकर वो बोला फ्रेंड कि तुझे एक ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक से क्या होगा कि जितने तू नौकर को रखेगा और नौकर को तू भगाना चाहेगा तो भी नहीं भागेगा। बोले बता। तो ठीक है, एक बलम चावल आते हैं, एक राइस का क्वालिटी है, प्रीमियम क्वालिटी है, बंगाल में मिलता है। तो बोले वो और उसमें गाय का घी डाल के और अपने नौकर को रोज दोपहर में खिला और फिर खूब काम करवा। तो उसने ऐसे ही किया, खूब खिलाया बलम चावल और घी। अब क्योंकि सर्वेंट क्लास है, अफोर्ड नहीं कर सकती, तो उसको कहीं खाने को मिलता नहीं था बलम चावल, वो खाता था, बड़ा आनंद आता था और फिर भाग भाग के काम करता था। थोड़े दिनों में थक गया काम कर करके कि ये तो मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, काम करने खूब काम कराया जा रहा है दबा के, सैलरी भी कम। तो वो भाग जाता है छोड़ के, है ना, भाग जाता है। लेकिन वो बलम चावल फिर उसको खींच लाते हैं वापस, क्योंकि और कहीं मिले नहीं, वापस आ जाता है। और वापस आके फिर वो गधे की तरह वहां पे काम करने लग जाता है कम सैलरी में। तो क्या हुआ, भोग जो है वो खींच के लेके आ रहे हैं। पर्पस भुला दिया, नौकरी क्यों कर रहा था, तो पर्पस भूल गया। मनुष्य जीवन का पर्पस क्या था, बस भोगों में लग के और मजदूरी किए जा रहे हैं, व्यर्थ का परिश्रम किए जा रहे हैं, है ना। यानी कि अंधियारा कमरे के गेट पे आ गए और गेट पे आगे खुजली आ गई और फिर चल पड़ा 84 लाख का चक्कर। और ये खुजली क्या है, भोगों की इच्छाएं, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छाएं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेत साम, है ना। जिनके चित्त जो है, बुद्धि जो है, भोगों में, इंद्रियों को सुख पहुंचाने में, सुंदर खाना, सुंदर पहनना, सुंदर घूमना, सुंदर स्त्री संग, इन सब में फंसी रहती है, वो लोग कभी भी अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य के प्रति फिक्स नहीं हो पाते। उनकी बुद्धि अव्यवसायी रहती है, फिक्स नहीं होती एक तरफ। तो जो बुद्धि भोगों से भरी है वो आपको फिक्स नहीं होने देगी, ठीक है ना, वो दूसरी चीजें फिक्स करा देगी, नियम तोड़वा देगी। इसलिए पहले जो ब्रह्मचारी लाइफ होती थी उसमें भोगों से उसको बहुत दूर रखा जाता था स्टूडेंट को, क्योंकि भोग रहेंगे तो जीवन में कभी गोल नहीं अपने सेट कर पाएगा, ठीक है ना। तो भोगों से बहुत दूर रखते थे, खाना पीना साधारण, वो भी गुरु बोलेंगे, जब भूल गए तो भूखा रहो, ठीक है ना। स्त्रियों का कोई लेना देना नहीं, घर बाहर से दूर, घर से भी दूर और बाहर, बाहर मतलब BAR, यानी कि जो जहाँ आजकल के स्टूडेंट्स खूब जाते हैं, वो बाहर से भी दूर, हर चीज से दूर, किसी प्रकार का कोई भोग नहीं, तब जाके वो व्यक्ति अपने जीवन का गोल सेट कर पाता था। लेकिन अब क्या है, अब मैच फिक्सिंग होने लगी, अब घर में रह के पढ़ो और रोज बाहर जाओ, ठीक है ना, ये होने लग गया। तो हर जीव जो है अपना लक्ष्य भूल के मैच फिक्सिंग करने में लग गया, जुआ खेलने लग गया, ठीक है ना, ये जुआ है ना। अपने अपनी इतने क्षण भंगुर, इतने दुर्लभ मनुष्य देह को स्टेक पे लगा रहा है ना, जुए में लगा रहा है उसको, ठीक है ना, जुआ ही तो खेल रहा है। कृष्णा ने इतना सुंदर मनुष्य जीवन दिया और वो भी भारत की पवित्र भूमि पे, और वो भी दिल्ली या जयपुर में, दिल्ली हस्तिनापुर है जहाँ पे भगवान इतने समय रहे, पांडवों की पवित्र भूमि, जयपुर गुप्त वृंदावन और पास में हमारा ओरिजिनल वृंदावन, ठीक है ना। इतना सुंदर भगवान ने मनुष्य जीवन दिया, गीता भागवत के सुंदर शास्त्र दिए, गुरुजन हमको मिल गए जिनसे हम ज्ञान लेते हैं, फिर भी वो गोल के प्रति हम जो है सीरियस नहीं हो पा रहे, उसको फिक्स नहीं कर पा रहे, फिर भी हम भोगों में फंसे हुए। तो ये क्या है, ये जुआ ही तो खेल रहे हैं मनुष्य जीवन के साथ। तो ऐसा जुआरी कृष्णा कहते हैं, ऐसा जुआरी जो है आत्महत्यारा है, आत्महत्यारा व्यक्ति कृष्णा को बिल्कुल पसंद नहीं। भगवान कह रहे हैं भागवतम में, निर्देह आद्यम दुर्लभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम मया अनुकूले नभस्वता इरितम पुमान भवादीम न तरे सा आत्महा। कि मैंने जिसको दुर्लभ मनुष्य शरीर दे दिया, गुरु कर्ण धार भी दे दिया और अपनी गीता भागवत की शिक्षाएं भी दे दी, और फिर भी वो तैर नहीं, वो फिर भी पार नहीं पा रहा समंदर से, कह रहा मैं तो कूद के मरूंगा। तो भगवान कह रहे हो तो आत्महत्यारा है, फिर सब कुछ देने के बाद भी कुछ नहीं कर रहा, जुआरी आत्महत्यारा है। तो ऐसे जुआरी को कुछ नहीं हासिल होगा, ऐसा जुआ खेलेंगे कुछ नहीं हासिल होगा, बल्कि क्या होगी, क्या मिलेगा साथ में, जेल मिलेगी, जेल में बिठा दिया। एक तो पहले ही जेल के अंदर है, मनुष्य देह अपने आप में जेल है, है ना। क्या कह रहे हैं प्रहलाद महाराज, तदपि अध्रुवम अर्थदम, कि जो मनुष्य शरीर
दुर्लभ लेकिन अध्रुवम, शाश्वत नहीं है कि सोच रहे हैं कि इतना इकट्ठा कर लो उतना इकट्ठा कर लो, हमेशा यहीं पे रहना है, ठीक है ना, सब साथ लेके जाना है, कुछ नहीं ऐसा, सब धरा रह जाएगा। तो ये जेल है, तो पहले ही जेल में बंद है और अब और गंदी गंदी जेलें आएंगी मनुष्य शरीर के बाद में, सारी जेल गंदी है, कुत्ता सुअर शेर चींटी वायरस पेड़ पौधे सब जेलें गंदी है, तो मनुष्य जेल फिर भी ठीक थी। तो जुआ खेलेंगे ऐसा तो क्या होगा, जेल में पड़े रहेंगे, अलग अलग जेल में घूमते रहेंगे, यहीं सड़ते रहेंगे। तो लाइफ का जो उद्देश्य है, पर्पस है, उसको नहीं भुलाना, उसको डिफीट नहीं करना। लाइफ का उद्देश्य भूल गए तो इस सबसे अनफॉर्चुनेट चीज है, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल भूल गए लाइफ का उद्देश्य, अब हमारे लक्ष्य हो गए पैसा स्त्री सफलता करियर की सफलता या सुंदर शरीर बनाना, ठीक है ना। और जब ये सब मिला तो फिर गाना गाते हैं, ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो भले छीन लो मुझे से मेरी जवानी। क्यों भैया क्या हो गया, इतना तो तू पहले मरे जा रहा था ये सब हासिल करने के लिए, अब आ गया तो अब क्या तकलीफ है, क्योंकि इसमें कोई टेस्ट नहीं है, रस ही नहीं है, कोई स्वाभाविकता नहीं है, ये हमारे लिए ये सब नकली है ना। जैसे मछली है, मछली को जल से बाहर लिया है, पानी पानी से बाहर लिया है, अब सोने का बिस्तर दे दिया, खाने में 56 भोग दे दिए, एसी उसी लगा दिए, ज्यादा तड़प रही है, ऑक्सीजन मास्क भी लगा दिया, लेकिन फिर भी उसको चैन नहीं पड़ेगा क्योंकि स्वाभाविकता के अंदर नहीं है वो। तो उसी तरीके से ये जितने भोग ऐश्वर्य हैं ये सब के सब क्या है, ये हमारी स्वाभाविकता नहीं है, ये हमें कोई सुख चैन नहीं देते हैं। ऐसा भी नहीं है, थोड़ा सुख देते हैं लेकिन थोड़ा ही देते हैं, क्षणिक देते हैं। कौन सा सुख देते हैं, ऐसे सुख को भगवान बोलते हैं कि रजोगुणी सुख है अर्जुन, रजोगुणी सुख। तो अब ऐसे खुश नहीं होना कि हाँ भाई सुख तो मिल रहा है, रजोगुणी सुख की बड़ी सुंदर डेफिनेशन है भगवान क्या बता रहे हैं रजोगुणी सुख के बारे में, 18वां अध्याय 38वां श्लोक भगवद गीता का, विषय इंद्रिय संयोगात यत तद अग्रे अमृत उपमम परिणाम ए विषम इव तत् सुखम राजसम स्मृतम। कि अर्जुन जब विषयों का उनकी इंद्रियों के साथ, हमारी इंद्रियों से इंद्रियों के विषयों का जब स्पर्श होता है, जैसे त्वचा का स्पर्श हो गया स्त्री के शरीर से, आंख का स्पर्श हो गया सुंदर मूवीज से, ठीक है ना, तो ऐसे जब स्पर्श होता है तो यत तत् अग्रे अमृत उपमम, तो जो सुख उत्पन्न होता है तो वो अमृत के समान होता है। लेकिन परिणाम है विषम, जैसे जैसे ये परिणाम की ओर बढ़ेगा, आगे की ओर बढ़ेगा, ये विष के समान होता जाएगा, जहरीला होता जाएगा, जैसे मदिरा का सुख है। तो जीव है, जीव हमारी इंद्रिय है और मदिरा उसका विषय है, तो मदिरा पी शराब पी तो सुख आया, हाँ इसी में आनंद है, तभी तो पहुंच जाते हैं ना शाम होते ही सब लोग मदिरा मदिरा लेने बार में, ठीक है ना। तो लेकिन सुख आया अग्रे अमृत उपमम, अमृत के समान सुख आया, लेकिन परिणाम है विषम, अब परिणाम की ओर जैसे जैसे बढ़ेंगे विष के समान हो जाएगा, घर में क्लेश, दिमाग में हैंगओवर, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर भी नहीं रुकेंगे, इसके बाद में क्या है, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं जबरदस्त, लीवर खराब किडनी खराब, और बात और आगे जाएगी, नरक तक बात जाएगी, आया पान नरक में लेके जाएंगे, अब वहां पे दंड अलग मिलेंगे। तो ये जो भोग है ये सारे ये जीवन का लक्ष्य बुला देते हैं और पाप कर्मों में इंडल्ज करते हैं जीव को, और उसकी वजह से जीव को बहुत बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। जो हमारे ऋषभ देव हुए, भागवतम में वर्णन आता है, ऋषभ देव जैनियों के जो फर्स्ट तीर्थंकर बोले जाते हैं, उन्होंने बड़ा इसके ऊपर सुंदर सा पूरा उपदेश दिया अपने पुत्रों को, ठीक है ना। और कौन सा नंबर है, 5वां स्कंद 5वां अध्याय और 4वां श्लोक, बड़ा सुंदर श्लोक गाते हैं, क्या बोलते हैं, नूनं प्रमत्त कुरुते विकर्मा यत इंद्रिय प्रीतय आपृणोति न साधु मन्ने यत आत्मनो अयम असन्नपि क्लेशद आसदेह। इसका ट्रांसलेशन देखते हैं, बहुत ही अद्भुत इसका ट्रांसलेशन है, क्या कह रहे हैं, जब मनुष्य इंद्र तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मान बैठता है, इंद्र तृप्ति को जीवन का लक्ष्य मान गया, भूल गया कि खेलने क्यों आए थे मैच, ठीक है ना, अभी सिर्फ एक ही लक्ष्य हो गया कि पैसा कमाना है शॉर्टकट से फटाफट, ठीक है ना, तो वह भौतिक रहन सहन के पीछे प्रमत्त होकर सभी प्रकार के पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। तो बस उसको इंद्रियों को सुख देना होता है,
खाना अच्छा, पहनना अच्छा, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, और अगर नहीं हो पा रहा इजीली, ये किसी किसी को ही तो इजीली अवेलेबल है, ये भौतिक सुख आसानी से थोड़ी मिलते हैं, तो बहुत मेहनत करेगा और बहुत मेहनत करके फिर पाप भी करेगा दबा के। नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म, विकर्म करेगा, ठीक है ना। फिर वह नहीं जानता कि अपने विगत पाप कर्मों के कारण उसे मनुष्य क्षण भंगर मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ था, जो दुखों की खान है। अब ये भूल गया कि जो इस जेल में है, इस मनुष्य देह रूपी जेल में, ये ऑलरेडी पीछे के पाप कर्मों के कारण मिली है, उस चीज को वो भूल गया, अभी नए पाप बना रहा है और नीचे जाने की तैयारी। तो वास्तव में जीवात्मा को भौतिक देह नहीं मिलनी चाहिए थी, एक्चुअली तो होनी नहीं चाहिए थी हमारे पास ये देह, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि इंद्रिय तृप्तियां की, ये ट्रांसलेशन में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इंद्रिय तृप्तियां की तो भूल गया कि भौतिक देह को ही सब कुछ मान लिया। अतः मैं मानता हूँ, ऋषभ देव कह रहे हैं कि बुद्धिमान प्राणी के लिए ये शोभा नहीं देता कि वो फिर से इंद्रिय तृप्ति के कार्य में लग जाए, जिसके कारण उसको ये देह तो मिली, अब आगे और लेनी पड़ेगी, आगे और गंदे गंदे जेलों में जाना पड़ेगा, उनको और एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये ऐसे जीवन जो है भोग ऐश्वर्य, ऐसे जीवन क्या है, ये मैच फिक्सिंग है, और ये जीव को बांध लेते हैं। और लोग इसको क्या बोलते हैं, बंधन मुक्त जीवन, है ना, फ्रीडम, सो कॉल्ड बंधन मुक्त जीवन, कि जो मन में आएगा सो करेंगे, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल भर किसी का दुखाना, जो खाना खाएंगे, जो पीना है पियेंगे, जिसके साथ मर्जी होगी संभोग करेंगे, टोटल फ्रीडम, ठीक है ना। लेकिन अफसोस, ये फ्रीडम नहीं है, ये फ्रीडम तो मनुष्य को नहीं है, गलत जगह आ गए, ये फ्रीडम है कुत्ते सुअर को, उनके पास ये फ्रीडम है। प्रभुपाद का एक बड़ा फेमस वीडियो है, उसमें प्रभुपाद कहते हैं कि अगर जीव ये सोचेगा कि मेरे को जो खाना है मैं खाऊं खुल के, कोई विचार नहीं, ठीक है ना, मांस खाना है, प्रॉन खाना है, चमगादड़ खाना है, तो भगवान बोलेंगे ठीक है, सुअर बन जाओ, शेर बन जाओ, कोई विचार मत करो, जो गंद खाना है खाओ, ठीक है ना। तो भगवान इच्छा को पूरी कर देंगे। तो हमें अगर फ्रीडम नहीं चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, तो भगवान इच्छा पूरी करने के लिए बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीज ये ऋषभ देव महाराज बता रहे हैं अपने पुत्रों को, और फर्स्ट श्लोक में, इसी अध्याय के फर्स्ट श्लोक में बड़ा सुंदर कह रहे हैं, नायम देहो देव आजाम लोके कष्टान कामान हरते विट बुझामे, कष्टान कामान हरते विट बुझामे, कि कुत्ते और विट बुझा मतलब होता है कि विष्ठा खाने वाला, यानी कि सुअर, कुत्ते और सुअर के शरीर में ये सारे भोग इजीली अवेलेबल है, मनुष्य का जो शरीर है वो भोगों के लिए नहीं मिला, इसके उद्देश्य कुछ और है। कोई भी इंटेलिजेंट व्यक्ति अगर सोचे कि मनुष्य क्यों स्पेशल है, क्या इसलिए स्पेशल है कि कुत्ता रोड पे खा रहा है, हम डाइनिंग टेबल पे बैठ के खा रहे हैं, क्या इसलिए स्पेशल है कि सुअर खुले में संभोग करता है, हम रूम में बैठ के आराम से करते हैं, इसलिए नहीं है। एक आईएएस ऑफिसर है, ठीक है, अब उस आईएएस ऑफिसर को खूब सुविधाएं दे रखी है सरकार ने, ठीक है ना, उसकी सैलरी मोटी है, सैलरी उस चार नौकर दे रखे हैं, ठीक है ना, और उसको बड़ी गाड़ी दे रखी है ड्राइवर के साथ, उसको बंगला दे रखा है सरकारी, सब कुछ उसको दे रखा है, ठीक है ना। लेकिन उसी ऑफिस में एक चपरासी काम कर रहा है, उसको नहीं दे रखा, तो क्या डिफरेंस है, क्योंकि आईएएस के ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। तो मनुष्य को भी जितनी फैसिलिटीज भगवान ने दी हैं, तो इसलिए नहीं दी कि भोगों में लग जाए, ये बुद्धि की फैसिलिटी, ये पढ़ने लिखने की फैसिलिटी, ये सब इसलिए है ताकि भगवान की भक्ति में लग जाए, अपनी बुद्धि का यूज करके शास्त्रों को पढ़े, ठीक है ना। तो मनुष्य शरीर किस लिए है, भोगों के लिए नहीं है, मैच फिक्सिंग करने के लिए नहीं है, नियम तोड़ने के लिए नहीं है, रिस्पॉन्सिबली खेलने के लिए, टीम को जिताने के लिए, खुद को जिताने के लिए। इसलिए तपो दिव्य का पुत्रम ये न सत्यम शुद्धे तस्मात ब्रह्म सौख्यम चनंतम, क्या कह रहे हैं, दिव्य तप के लिए है मेरे पुत्रों, ऋषभ देव कह रहे हैं ये मनुष्य शरीर दिव्य तप के लिए। तप का मतलब होता है अपनी फ्रीडम को खत्म करना, विलिंगली कष्ट उठाना, ठीक है ना, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से कष्टों को उठाना और बंधनों में बंधना। बंधन किसी को अच्छे नहीं लगते, अभी हमारे हाथ पैर बांध के पटक दिया जाए कैसा लगेगा, जानवरों तक को अच्छा नहीं लगता, मनुष्य को कहां से अच्छा लगेगा। तो बंधन किसी को अच्छे नहीं लगते, फिर भी हमको कई सारे बंधन में झेलने पड़ते हैं, कि देह का बंधन, देह के बाद में कर्मों का बंधन है, फिर माया का बंधन, काल का बंधन, बंधन ही बंधन,
ठीक है ना। ऊपर से फिर ये भोगों का बंधन, इंद्रिया सेंसेशन देती हैं, खाना चाहिए तो चाहिए चाहिए, बंधन है, फंस गए आप, ठीक है, हिल नहीं सकते, चाहिए तो चाहिए, ठीक है ना। तो हर इंद्रिय ने अपना बांध रखा है। तो इस तरीके से बंधनों के अगर लपेटे देखे जाए हमारे ऊपर, तो जैसे वो पतंग उड़ाते हैं तो वो चरखी होती है उस पर जैसे डोर लपेटी होती है, इस तरीके से हम बंधनों से बंधे हुए हैं। लेकिन सुंदर बात यह है कि इन सारे बंधनों का इलाज भी एक बंधन ही है ना। बंधनों से बंधन से बंधनों को काटा जा सकता है। और ये जो बंधन है जो इन असंख्य बंधनों को काट देता है वो है दिव्य तप, है ना। दिव्य तप को इन्होंने बोला कि ये वो बंधन है जो आपको फ्री कर देगा, इसलिए कुछ बंधन अच्छे हैं, सारे बंधनों से मुक्त कर देगा। एक एग्जाम्पल देते हैं फिर समझेंगे इसको, एग्जाम्पल से पहले क्लियर समझ आएगा। दो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट ने कोई बंधन नहीं एक्सेप्ट कर रखा, मतलब कि जब मर्जी होगी मैं पढ़ूंगा, जब मर्जी होगी मैं घूमूंगा, मेरे लिए कोई रूल्स नहीं है, गाड़ी पे लिखा रखा है माई लाइफ माई रूल्स, रूम पर भी लिखा रखा है आई एम अ फ्री सोल, ठीक है ना, फ्रीडम फाइटर, फलाना ढिमकाना जो भी, कोई रूल्स नहीं, कोई बंधन नहीं ले रखे, मैं फ्री हूँ, फ्री लेके करूंगा सब कुछ। दूसरी और दूसरा स्टूडेंट है, उसने जानबूझ के बहुत सारे बंधन एक्सेप्ट कर रखे हैं, रूटीन में बना रखा अपने आप को। जैसे हम बचपन में करते थे, 5 बजे उठूंगा, चार्ट लिख के दीवार पे कमरे पे लगाते थे, 5 बजे उठूंगा, 7 बजे तक पढ़ूंगा, फिर 7:30 से तैयार होऊंगा, ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, पूरा लिस्ट होता था रात तक का। तो उसने पैक कर रखा अपने आप को बंधनों में। पहला स्टूडेंट दूसरे को देखेगा मजाक उड़ाएगा कि क्या तेरी जिंदगी है बेकार झंड, ठीक है ना, बेकार कर रखा तूने अपनी जिंदगी को, मेरे को देख मैं फ्री सोल हूँ, मस्त रहता हूँ, फ्री रहता हूँ। लेकिन रिजल्ट जब चलेंगे, आगे चलेंगे, तो क्या होगा, पहले वाला स्टूडेंट जो उसने अपने आप को फ्रीडम कर रखा, फ्री कर रखा था, वो बंधन में बंध जाएगा, फेलियर के बंधन में बंध जाएगा, ठीक है ना, बेरोजगारी के बंधन में बंध जाएगा। और दूसरा स्टूडेंट जिसने अपने आप को बांध रखा था नियमों में, वो फ्री हो जाएगा, उसको फेलियर का बंधन हट जाएगा, उसको असफलता का बंधन हट जाएगा, उसको करियर की टेंशन का, बेरोजगारी का बंधन हट जाएगा, तो सारे बंधन हट जाएंगे। तो ये जो बंधन उसने एक्सेप्ट किया, ये एक बंधन अच्छा है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से जब मनुष्य शरीर में रह के हम दिव्य तप को एक्सेप्ट करते हैं, तो वो दिव्य तपो से क्या होता है, हमारे अनंत कोटि जो भौतिक जगत के बंधन है वो सारे कट जाते हैं और परमानेंटली कट जाते हैं। इसलिए इन बंधनों को अच्छा कहा गया भक्ति में दिव्य तप। तो भक्ति में दिव्य तप क्या है, बंधन क्या है, बंधन है 4 नियमों का बंधन, मांसाहार मत करो, नशा मत करो, ठीक है ना, अवैध संबंध मत बनाओ, जुआ मत खेलो, ये बंधन है, ठीक है ना। तो ये बंधन है। और 16 माला करनी है, एकादशी रखनी है, भूखा रहना है। हालांकि हम भक्त हैं, हम समझते हैं बंधन नहीं है, लेकिन जो बाहर से देखते हैं उनको लगता है कि यार क्या जिंदगी तुम्हारी, इतने भयंकर कमिटमेंट्स, इतने भयंकर रूल्स, कौन कर सकता है ऐसे, क्यों तुम लोग फ्री नहीं रहते, इतने तरीके से तुमने अपने आप को बांध रखा है। लेकिन जब हमने इतने तरीके से खुद को बांध रखा है दिव्य तप के माध्यम से, तो हमारे सारे बंधन कट जाते हैं, कर्मों के बंधन, माया के बंधन, सेंसेस के बंधन। प्रबोधानंद सरस्वती क्या कहते हैं, दुर्दांत इंद्रिय काल सर्प पटली, कि वैसे इंद्रियां जो हैं वो सर्प के समान है, जहरीले सांप के समान है, लेकिन भक्त की इंद्रियां कैसी हो जाती हैं कि जिसके दांत तोड़ दिए गए, जिस सांप के दांत तोड़ देते हैं फिर तो खिलौना बन जाता है, गले में लटका के घूमो आराम से, है ना। तो ये बंधन जब एक्सेप्ट किए सेंसेस को रेगुलेट करने के, 4 नियम के, 16 माला, एकादशी, तो क्या हो गया, फ्री हो गया, फिर सारे बंधन कट गए, कर्मों का बंधन, इंद्रियों का बंधन, 84 लाख योनियों का बंधन, काल का बंधन, सारे बंधन कट गए, ठीक है ना। तो ये फिक्रिंग हमको करनी है, तोड़ना नहीं है नियमों को, नियमों में रह के खेलना है। जो नियमों में रह के खेलेगा वो अच्छा खेलेगा, ठीक है ना, उसका नाम होगा, देश को जिताएगा। तो उसी तरीके से हमें मैच फिक्सिंग नहीं करनी, हमें नियमों में रह के गेम खेलना है, और ये नियमों को पकड़ना है हमको। कोई देखेगा बोलेगा क्या जिंदगी कर रही तुमने, तुम खाते नहीं हो, मांस नहीं खाते हो, तुम पीते नहीं हो हमारी तरह, लिहाज और तो लोगों को तो सबसे बड़ा ताजुब ही होता है कि तुम कांदा लहसुन कैसे नहीं खाते, क्या लहसुन के बना तो जिंदगी बेकार है, तुम कैसे नहीं खाते, तुम्हारी जिंदगी खराब है बिल्कुल। लेकिन हमें बताइए दिव्य तप है,
उसने अपने आप को फ्री कर रखा है नियमों से, ठीक है ना। वो जो मर्जी आए खाता है, मार्गभक्षण भी करता है, ठीक है ना। फ्रीडम दे रखी है अपने आप को, कुछ भी खाऊंगा, लेकिन फिर उसको बंधन मिलेगा। उसको भगवान ऐसा शरीर दे देंगे, भेड़िया गिद्ध शेर खा आराम से, जितना मर्जी मांस खा, क्या प्रॉब्लम है। इच्छा थी ना तेरी, बंद गया। ऑन टॉप कुंभी पाकर नरक तैयार है। बड़ा सा महाराज बताते हैं, इस पूरे शहर जितना बड़ा एक कड़ा होता है, उसके अंदर गरम गरम खोलता हुआ तेल, और उसमें किया जाता है उसको फ्राई। कितने भयंकर बंधन। थोड़ी सी फ्रीडम उसने रखी और इतने बड़े बंधन ग्रहण करने पड़े। और हमने थोड़ा अपने आप को बांधा कि हम मांस नहीं खाएंगे, तो हम इतने सारे बंधनों से फ्री हो गए। कितनी अमेजिंग बात है ये। इसको कहते हैं दिव्य तप, अवय समय, है ना। लोग बोलेंगे कि भाई हमें तो, हमें फिक्स नहीं रहना, हमें एक पुरुष एक स्त्री का बंधन हमें नहीं चाहिए, ये फिक्सिंग नहीं चाहिए हमें, हमें तो खुला घूमना है आराम से, ठीक है ना। तो भगवान दंड देंगे कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मनुष्य शरीर में एक का प्रॉब्लम है, एक ही स्त्री पुरुष से के साथ रह सकते हैं, सात फेरे लेने पड़ते हैं, ये करना वो करना पड़ता है। एक काम करो, कुत्ता सुअर बन जाओ, जिसके मर्जी उसके साथ घूमो, कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, आराम से घूमो। तो फ्री रखा अपने आप को, नियम नहीं माने तो बंधना पड़ गया, कुत्ते सुअर के शरीर में बंधना पड़ गया। और फिर उसके ऊपर ऑन टॉप तप्त सूरमी नरक अलग से, एक नरक है तप्त सूरमी नरक, जिसमें एक स्त्री की जो हॉलो मूर्ति होती है, पुरुष को स्त्री की मूर्ति से और स्त्री को पुरुष की मूर्ति से, एकदम गरम लोहे, गरम आग की जैसी गरम, उससे आलिंगन कराया जाता है जबरदस्ती। कितने भयंकर बंधन एक छोटा सा नियम तोड़ने के कारण एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसलिए मैच फिक्सिंग बड़ी खतरनाक है, ऐसी नशा है। मदिरा पीना, सिगरेट पीना, गुटखा खाना, छूटती नहीं है ना। छूटती नहीं है तो फिर आगे बंधन तैयार है, अयपान नरक तैयार है, निम्न योनियां तैयार है ना। तो छोटे छोटे ये जो बंधन है, देखने में बंधन लग रहे हैं, लेकिन हमको बहुत त्रायते महतो भयात, भयंकर भयों से हमारे को फ्री कर देते हैं, भयंकर दुर्गतियों से हमको फ्री कर देते हैं। लेकिन जो फ्री रहना चाहता है वो फिर इनमें फंस जाता है, ठीक है ना। 16 माला का नियम कई लोगों को भारी लगता है, जिनको हम बताते हैं नए लोगों को कि कैसे तुम 2 घंटे 16 माला कर लेते हो, भारी लगता है। लेकिन जो करते हैं सुबह उठ के, उनसे आप पूछो, उनका फीडबैक देखो, तो वो फ्री रहते हैं, मेंटली फ्री रहते हैं। उनका ये एक्सपीरियंस है, जितने लोग आप में से करते होंगे आपका एक्सपीरियंस होगा कि मेंटली फ्री है एकदम। महाराज कहते हैं ना, कई बार हमारे महाराज कहते हैं 16 राउंड अ डे, एक वो कहावत है ना, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, उसी की तरह महाराज कहते हैं 16 राउंड अ डे मेक्स योर डे, अदरवाइज स्पॉइल योर डे। अगर 16 माला करके घर से निकलोगे आपका दिन बन जाएगा सुंदर, अदरवाइज आपका दिन बेकार, टोटली बेकार। तो ये फैक्ट है, लेकिन अनुभव किसको होगा? अनुभव उसको होगा जो फॉलो कर रहा होगा, नियमों में रह के मैच खेल रहा होगा। फिक्सिंग करने वाले को अनुभव अभी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मैच को फिक्स मत करो, नियमों में रह के खेलो। और इससे क्या होगा, अब और आगे चलते हैं, इससे क्या होगा। ऋषभ देव बता रहे हैं, शुद्धे तस्मात ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, कि इससे शुद्धता आएगी। सबसे पहले तो, सबसे पहली चीज, नियमों में रह के, नियमों के बंधन में रहोगे तो शुद्धता आएगी, इससे शुद्ध हो जाओगे। तब से हमेशा शुद्धि आती है, प्योरिटी आती है, हार्ट प्योर होता है, ठीक है ना। बाहर से प्योर, अंदर से प्योर, दोनों तरफ से प्योर रहते हैं, क्योंकि साफ जगह ही तो भगवान विराजमान होते हैं ना। हम हमारे घर में मंदिर बनाते हैं, पापी व्यक्ति भी घर में मंदिर बनाता है तो उस जगह साफ जगह रखता है, ठीक है ना, सफाई रखता है उस जगह की। लेकिन हृदय जहाँ पे लाना है भगवान को, उस जगह को पूरा गंदा कर रखा है, तो वो जगह साफ होगी नियमों से, बंधनों से। ऐसे खुला घूमने से नहीं, कुत्ते की तरह खुला घूमने से नहीं होने वाली। तो साफ करो, नियमों को से बंध के अपने हृदय को साफ करो। चेतो दर्पण मार्जनम, अपने चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करो। क्यों करें? क्योंकि गंदगी लगी हुई है इसमें बहुत सारी, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष अहंकार, अनंत जन्मों के ये कलमश भरे हुए हैं, और इन कलमशों से उत्पन्न जो संस्कार है, वो संस्कारों की गहरी छाप उस पर लगी हुई है, ठीक है ना। तो ये हमको साफ करना पड़ेगा, और ये सारी गंदगी साफ होगी। कैसे साफ होगी? मोटिवेशनल स्पीकर्स बोलते हैं
इनहेल पॉजिटिविटी, एक्सहेल नेगेटिविटी। तो ये क्या है, पॉजिटिविटी का कोई इत्र मिलता है क्या जिसको हम सूंघ लें तो अंदर से साफ हो जाएगा? नहीं, पॉजिटिविटी जो है, सफाई जो है, वो नियमों के पालन से होगी जो मनुष्य जीवन के लिए भगवान ने बनाए। इनसे हार्ट की प्योरिटी आएगी, ठीक है ना। और जब हार्ट प्योर होगा तो फिर किस चीज का अनुभव होगा? ब्रह्म सूक्ष्म शुद्धे तस्मात ब्रह्म सूक्ष्म सनंद, ब्रह्म सुख का अनुभव आएगा, है ना। एक सुखी व्यक्ति का, एक खुश व्यक्ति का चेहरा बता देता है ना। महाराज कई बार बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, खैर खून खुशी खांसी ये छुपाए नहीं छुपती, है ना, ये बाहर आ जाती है। जैसे गधा है, गधे को छुपा लो नहीं छुप सकता, वो ढेंचू ढेंचू करेगा, आपको पता चल जाएगा। खून अगर किसी का मर्डर किया है तो नहीं छुप सकता, बाहर आ जाएगा। खांसी, खांसी कितनी छुपा लो वो फिर भी निकलेगी, वेग देगी, खांसना पड़ेगा। उसी तरीके से खुशी, बहुत खुश है अगर तो छुपाए नहीं छुप सकती, वो आ जाएगी बाहर, ठीक है ना। तो खुशी, खुश जो है व्यक्ति, सुखी जो है उसका पता चल जाता है ना। जैसे किसी को 5 करोड़ की लॉटरी लग गई, उसका पता चल जाएगा, उसके चेहरे पे इतनी आनंद रहेगा, उसको 2-4 गाली भी दे दी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका, तो सुख का पता चल जाएगा। लेकिन ये भौतिक सुख है। अगर जिसके पास भक्ति का सुख है, कृष्ण भक्ति का सुख है, ठीक है, उसका आनंद कितना दिव्य होगा। उस आनंद को बोला गया ब्रह्म सुख, ठीक है ना। इस वो उसका चलना भी नाचने के समान है, ठीक है ना, उसका बोलना भी गाने के समान है। गाना क्या कहते हैं वो, चलना, हाँ कुछ ऐसा श्लोक है बड़ा सुंदर सा, अभी मुझे याद नहीं है। तो ब्रह्म सुख में वो व्यक्ति स्थित हो जाता है ना, उसको दिव्य आनंद प्राप्त होता है। जैसे अगर टीम के लिए मैच खेला, नियमों में रह के खेला, तो क्या होगा, उसको सब कुछ मिलेगा, मैन ऑफ द मैच भी मिलेगा, उसको पैसा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सुख ही सुख मिलेगा। लेकिन नियम तोड़े तो तोड़ते ही पकड़ा जाएगा, है ना, और तोड़ते ही पकड़ा गया और पकड़ के फिर पिटाई होगी, दंड मिलेगा, अपराध हो गया क्योंकि। तो ये हमको समझना है, ये हमारी क्लास का पूरा पर्पस था कि हमको मनुष्य जीवन मिल गया है तो हम किसी प्रकार की कोई मैच फिक्सिंग में ना फंसे, ठीक है, शॉर्टकट्स में ना फंसे, अपने लक्ष्यों को ना भूलें, लक्ष्य को क्लियर रखें। और उसके लिए हमें विलिंगली नियमों में रहना पड़ेगा। नियमों में रह के बंधनों, नियम बंधन लगते हैं तो उन बंधनों के उनको रहना पड़ेगा, उनमें रहेंगे, भक्ति के नियमों में रहेंगे तो वो नियम हमको बहुत सारे अनंत कोटि भौतिक बंधनों से छुड़ा देंगे, वो हमको शुद्ध कर देंगे और उनसे हमको ब्रह्म सुख की प्राप्ति होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे समय हो गया, अपनी वाणी को विराम देता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ इस परेश प्रभु जी से कि वो इसमें सुंदर अपना एडिशन दें ताकि कथा संपूर्ण हो। ग्रंथराज भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरु गुरुदान की जय। हरे कृष्णा गोकुलानंद, आवाज आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज आ रही है, हरे कृष्णा दोनों प्रणाम। तो अच्छा, ये टॉपिक बहुत अच्छा है और आप, थैंक यू वेरी मच, आपका सुंदर डिस्क्रिप्शन था। तो ये बहुत ही गंभीर टॉपिक है, लोगों को इस टॉपिक का पता होना चाहिए। मैच फिक्सिंग का मेन उद्देश्य यही है कि हमको जो ये मैच मिला खेलने के लिए, मनुष्य जीवन मिला, जीवन जो है ये मनुष्य जीवन इज वेरी रेयर एक्चुअली, हमें खेलने के लिए मिला तो हमने खेला ही नहीं इसमें कुछ। हमने क्या किया, क्योंकि शास्त्र कहते हैं नृदय आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये सुदुर्लभ, क्योंकि एक इंडियन टीम की क्रिकेट टीम में आना, सिलेक्शन होना, ये सुदुर्लभ है क्योंकि इजी नहीं है। उसी प्रकार हम लोगों को लगता है मनुष्य जीवन मिल गया, वेरी इजी सब लोगों को मिल रहा है, बट बहुत ही रेयर है, इसको बहुत रेयर। तो ये मनुष्य जीवन मिला है तो हमको मैच खेलने के लिए, और हमको इस मैच में आके पर्पसफुल होके, हमारा पर्पस हमको डिफीट नहीं करना, हमारा लक्ष्य पता होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, हमें हमारा इंडियन टीम में सिलेक्शन हो गया, हमारा मैच भी हो गया, लेकिन हमने सब कुछ फिक्स कर लिया, फिक्सिंग कर ली, किसके लिए, थोड़े से पैसों के लिए। हमने अपने आप को उस चीज का फायदा नहीं उठाया, अपनी अच्छी जो हमारा टैलेंट है, हम बहुत अच्छे खिलाड़ी है, हम बहुत अच्छे खिलाड़ी है, उसका फायदा नहीं उठा रहे हम, लेकिन छोटा लालच कर रहे हैं। तो ये यही हम कर रहे हैं, क्योंकि प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम मया अनुकूल नभस्तु अतरितम,
पुमान भवाम दिन ना तरे स आत्महा। तो हम आत्महा तैयारे हो गए, हम आत्महा कर लिया हमने अपना, और इसलिए हमारा तो बड़ा ही दिक्कत हो गई हमको। इसलिए हमको इसकी पुष्टि करनी चाहिए और जो आचार्यों द्वारा दी गई हमारी विधि है उसको फॉलो करना चाहिए। अहम तरिष्यामि, तो क्या है वो, अहम तरिष्यामि तो सुदरंत पराम, सुदरंत पराम, तो सुदरंत पराम मतलब सुदुर्लभ चीज है और उसको अहम तरिष्यामि, हम मतलब मैं पार कर जाऊं। ये भागवतम में एक सुंदर श्लोक आता है, आई थिंक 11वें स्कंद का ही है। तो इसलिए हम लोगों को तरिष्यामि करनी है, हम लोगों को क्लियर करना है, हमको जो जो टास्क दिया गया उसको सुंदर तरीके से डील करना है, वो हम नहीं कर पाते, इसलिए हमारी हमारी कोई फायदा नहीं है हमारा मैच खेलने का। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे हमेशा, लाइफ इज ए प्रिपरेशन एंड डेथ इज एग्जामिनेशन। तो ये प्रिपरेशन का टाइम है और हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जब हमारी मृत्यु होगी तो हमारा सही एग्जामिनेशन होगा। और अभी जो हम एग्जामिनेशन दे रहे हैं वो वाकई में हमारे प्रूव करना है, हमको शुद्ध होना है, हमको इस चीज को दिखाना है कि हाँ हमारी प्रैक्टिस सही चल रही है। तो ये जीवन भी एक प्रकार से, जीवन को भी बोला गया जीवन संघर्ष है, जीवन वास्तव में एक मैच की भांति है जिसको हम खेल रहे हैं, लेकिन अपने गोल को हमेशा ध्यान में रखते हुए और बिना मैच फिक्सिंग के हमको खेलना चाहिए, क्योंकि मैच फिक्सिंग हम लोगों के लिए क्या है, भक्तों के लिए मैच फिक्सिंग क्या है, वी आर नॉट सीरियस इन डिवोशन, दैट इज अ मैच फिक्सिंग, वी आर नॉट सीरियस इन सर्विस, दैट इज मैच फिक्सिंग, वी आर नॉट सीरियस ऑन हरिनाम भागवत सेवाएं, इट्स ऑलमोस्ट मैच फिक्सिंग। मैच फिक्सिंग एक वो कंटेंट है जो बेसिकली मेन कंटेंट को किल कर देता है, क्योंकि तो आप देखो आज कितना मैच फिक्सिंग का जो ट्रेंड है वो कितना चलता रहता है ना, लोग मैच फिक्सिंग करते, क्यों मैच फिक्सिंग करते हो भाई, तुमको क्या मैच खेलने की फीस नहीं मिलती है? मैच खेलने की फीस मिलती है, कितनी मिलती है, 2 लाख रुपया, लेकिन मैच हारने की फीस मिलती है 10 लाख रुपए, 5 गुना ज्यादा मिलती है, लेकिन जाता क्या है, सम्मान जाता है, इज्जत जाती है, सम्मान जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस जाता है, हमारा टैलेंट जाता है, हमारे गुण जाते हैं, अवगुणों का विकास करते हैं। सिमिलरली मनुष्य जीवन मिलता है भगवान का भजन करने के लिए, और हम इस मनुष्य जीवन में अवगुणों का विकास करते हैं, इतने सारे अवगुण हम अपने अंदर लेकर जीवन जीते हैं, और वो अवगुण हमको देते क्या है, वो बंधन देते है, वो अवगुण हमको गिरा देते, अवगुण हमको और कुछ नहीं देते, बंधन देते है ना। कल भी भगवद गीता का श्लोक था, अनुबंधन है ना, अनुबंधन ही देते और कुछ नहीं देते हमको, अनुबंधन देते, जबरदस्त वाला बंधन देते, अनुबंधन मतलब जबरदस्त बंधन, अनुबंधन क्षयम हिंसा, हमको क्षय कर देते, हमारा विनाश कर देते, हिंसा हमें हिंसा देते, अनपेक्षा देते, अनपेक्षा मतलब परिणाम का कोई विचार नहीं, इसलिए हम जब मैच फिक्स करते हैं हमें कोई परिणाम का विचार नहीं, कोई भी परिणाम है कोई फर्क नहीं पड़ता, अनुबंधम क्षयम हिंसा अनपेक्षम च पौरुषम, और उसके बाद खत्म, मोहात् आरभ्यते कर्म, और मुंह में आके कार्य करते हैं, तमसम उच्यते, और तमसम उच्यते, और वो सब तामसिक कर्म है। तो इसलिए जब तक हमारी लाइफ में अनुबंधन है, बंधन नहीं है, अनुबंधन का बंधन, छूटेगा नहीं, और शयम, शयम मतलब हम विनाश करते, तो इसीलिए हम जो मैच फिक्सिंग कर रहे हैं, अनुबंधन शयम हिंसा यही सब कुछ कर रहे हैं, अनपेक्षा, और कोई हमें भविष्य की कोई अपेक्षा ही नहीं, अनपेक्षा कोई परिणाम की चिंता नहीं। हम अपनी लाइफ को पर्पसफुल बनाना चाहिए, अपनी लाइफ को कृष्णा कॉन्शियसनेस रखना चाहिए, जिससे हमारी अनुबंधन खत्म हो, हमारे सारी हिंसाएं क्षय अनपेक्षा सब खत्म हो, मोह खत्म हो, और ये जो हम ये जो हम तामसिक हो रहे हैं, यम तम तामसम उच्यते, उससे गिर जाए, हमको गिरना है, हमको तामसिक विचारों से गिरना है, इसलिए हम लोगों को तामसिक विचारों से गिरने के लिए अनन्य भक्ति का आश्रय लेना पड़ेगा। जब अनन्य भक्ति का आश्रय नहीं लेंगे तो हम गिर जाएंगे, और ज्यादातर लोग आप देखो गिर जाते हैं। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं, माम चया विचारेण योगेन भक्ति योगेन सेवते सगुणान समितित्य एतान ब्रह्मभूयाय कल्पते। भगवान बोलते सगुणान समितित्य एतात् सगुणान, सगुणान मतलब प्रकृति के गुणों को
समतीत्य, समतीत्य मतलब लांग जाओगे, ये गुणों वाली प्रकृति को समतीत्य एतान, एतान मतलब इन सब को समतीत्य लांग जाओगे, भ्रम भूयाय कल्पते, और भ्रम पद तक पहुंच जाओगे। लेकिन कैसे पहुंचोगे? भक्ति योगे न सेवते, भक्ति योगे न सेवते, भक्ति योग में रहकर सेवा करनी पड़ेगी। माम च ये अविचारेण, अविचारेण मतलब बिना विचलित हुए, बिना विचलित हुए अगर हम, और ये मैच फिक्सिंग क्या है? ये मैच फिक्सिंग लाइफ में विचलित होना है, उद्देश्य से विचलित होना है। भक्ति योगे न सेवते, भक्ति योगे न सेवते, सगुणान सगुणान अपि तीर्थत्य अमतीर्थत्य एतान भ्रम भूयाय कल्पते। समतीर्थत्य हो जाओगे आप तो आपका कल्याण हो जाएगा। इसीलिए मैच फिक्सिंग बहुत खतरनाक है, हमें नहीं करनी चाहिए। और वो मैच फिक्सिंग होती क्यों है? कारण यही है, क्योंकि हम अविचारण नहीं है, हमारा हम विचलित होते रहते हैं, हमको विचलित नहीं होना। तो भगवान बोल रहे हैं अव्यभिचारेण, मतलब विचलित बिना हुए। उन्हें कहते हैं जो विचलित नहीं होते वो कल्याण, उनका कल्याण होता है। मैच फिक्सिंग मीन्स विचलित होना। भगवान बोलते हैं ना कि प्राय अल्पायुषु कलो अस्मि युगे जन्म, मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य उपरीत। उपरीत मतलब वही है विचलित होना, उपरीत हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं माम च यह अविचारेण, जो मेरे मेरा माम मतलब मेरी भक्ति करता है, भक्ति योगे न सेवते। क्लियर बोल दिया, एक तो भक्ति योगे न सेवते, पूरी भगवत गीता में एक यही श्लोक ऐसा है जिसमें भगवान भक्ति योग सेवते बोल रहे हैं, भक्ति योग में आके सेवा करने के लिए, और साथ में बोल रहे हैं बिना विचलित हुए। ये श्लोक इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये श्लोक हमें कहता है भक्ति योग में सेवा करो, और ये श्लोक हमें कहता है सगुणान समतीतत्यम, समतीतत्य मतलब लांग जाओगे तीनों गुण, क्योंकि गुणों को तो लांगना और करना ही क्या है, हम कहीं ना कहीं तीनों गुणों में, कभी रजोगुण में, कभी सतोगुण में, कभी तमोगुण में। तो भगवान बोलते हैं सगुणान समतीतत्य एतान भ्रम भूयाय कल्पते, भगवान इसी चीज को रिपीट कर रहे। तो सगुणान समतीतत्य एतद् भ्रम भूयाय कल्पते माचायो अविचारेण भक्ति योगे न सेवा, सेवा करनी है भक्ति योग में, फिर आप देखो आपका कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए जब तक हमारा लाइफ में अनपेक्ष है, अनुबंधन है, और क्षयम है, हितम है, अहिंसम है, और मोह उदार भयते है, कर्म है, यत्तम तामसम उच्यते, तुम तमोगुणी में, तमोगुण में उठने के लिए, तमोगुण मतलब मैच फिक्सिंग, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको भक्ति योगे न सेवते होना पड़ेगा, और सगुणान समतीतत्य एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, तीनों गुणों से बाहर निकलो, तीनों गुणों से बाहर मतलब मैच फिक्सिंग से बाहर निकलोगे, केवल अपना मैच खेलोगे, और उस मैच खेलने में भी छक्के मार के जीत कर ही आओगे, हरा कर नहीं आओगे। तो जो व्यक्ति सगुणान समतीतत्य हो जाता है वो इसका मतलब है कि वो इंडिया की टीम का युवराज सिंह है, इसने 6 बॉलों पे 6 छक्के मारे थे, है ना? बिल्कुल, क्योंकि सगुणान समतीतत्य, ये बहुत गंभीर, ये शब्द बहुत सिंपल लगता है, सगुणान समतीतत्य कितना मुश्किल है गुणों को पार करना, लेकिन भगवान कहते हैं भक्ति योगे न सेवते होते हुए आप सगुणान समतीतत्य, आप समतीतत्य हो जाओगे, आप लांग जाओगे। किसको लांग जाओगे? इस गुणों को, सगुणान ये गुण है, समतीत एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, और ब्रह्म भूयाय कल्पते और टॉप मोस्ट बन जाओगे, मैन ऑफ द मैच मिल जाएगा आपको। केवल आपको मैच फिक्सिंग से बचना ही नहीं है, मैच फिक्सिंग में फंसना नहीं है, और उसके बाद भ्रम भूयाय कल्पते भी होना, उसके बाद आपको मैन ऑफ द मैच भी बनना है और मैन ऑफ द सीरीज भी बनना है। तो ये सब कुछ आपको करना है, ठीक है? हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच गुरु जी। हरे कृष्णा, प्रणाम, वंडरफुल एडिशन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यदि बस का कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं। हिमांशु शर्मा गुरु जी कह रहे हैं, हम हमेशा कैसे सावधान रह सकते हैं यार? हम तुरंत कैसे महसूस कर सकते हैं कि कृष्ण किसी भी क्षण हमारी परीक्षा ले रहे हैं, या हर क्षण हमारी परीक्षा ही है? इतने प्योर हिंदी में पूछा है, मुझे तो समझ में कम आ रहा है। हम हमेशा कैसे सावधान रह सकते हैं? हरे कृष्णा,
बहुत सुंदर क्लास प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास आपने की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा प्रणाम। मेरा प्रणाम प्रभु जी, सब गुरुदेव श्री परेश प्रभु जी इन सबकी कृपा है। तो हम ये क्वेश्चन ले रहे थे हिमांशु प्रभु का, हम हमेशा कैसे सावधान रह सकते हैं या हम तुरंत कैसे महसूस कर सकते हैं कि कृष्ण किसी भी क्षण हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हर क्षण हमारी परीक्षा ही है। तो जितना हम जैसे प्रभु जी बता रहे थे भक्ति योग है न सेवते, जितना हम भक्ति में हमारी सेवाओं में फिक्स होते जाएंगे तो उतना ही हमारी सावधानी अपने आप बढ़ती जाएगी। ठीक है, हम उतना ही जो संसारिक भोग हैं इधर उधर हमारा जो डिस्ट्रैक्शन होता है उनसे केयरफुल रहने लग जाएंगे। तो हमको क्या है, फिक्स होना है, कुछ नियम एक्सेप्ट करने, भक्ति योग के नियम एक्सेप्ट करने, सेवाएं एक्सेप्ट करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेप्ट करनी है सेवाओं की, तो हम अपने आप को फिर सावधान रख सकते हैं। तो जी आप बताइए इसका प्लीज, थोड़ा क्वेश्चन कमी पड़ने पड़ा। एक्चुअली आत्मा की सही पोजीशन है, बुद्धि को सावधानी दो, सॉरी मन को सावधानी दो, इंद्रियों को त्याग दो और बुद्धि को स्थिरता दो, ये सबसे सुंदर स्टेट है। तो आपने बोला कैसे सावधान रहे, तो सावधानी मन को देनी है और बुद्धि को स्थिरता देनी है, क्योंकि बुद्धि इधर उधर भागती है, मतलब बुद्धि स्थिर नहीं रहती, बुद्धि में अलग अलग आइडियाज रहते हैं, निर्णय लेने की शक्ति। बुद्धि अगर भगवान में स्थिर रहे, इंद्रियों में अगर त्याग रहे और मन में अगर सावधानी रहे, तो सही पोजिशन है आत्मा की। लेकिन आपका क्वेश्चन है सावधान कैसे रहे। सावधान रहने के लिए सबसे सरल तरीका भक्ति सिद्धांत बताते थे, जितना सत्य के क्लोज रहोगे उतना सावधान रहोगे, जितना सत्य से दूर रहोगे उतना असावधान रहोगे, जितना भगवान के क्लोज रहोगे सत्य के क्लोज रहोगे उतना सावधानी के क्लोज रहोगे, जितना दूर होते रहोगे उतना वो रहोगे। इसलिए अपना संघ जो है ना, जो आपका एसोसिएशन है, वो कोशिश करो सही लोगों के साथ हो, जो सत्य लोग हो, जिनका सत्य से संबंध हो। हम लोग किन से संबंध बनाते हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं है, है ना, चाहे वो कोई हमारा फ्रेंड हो, हमारा कोई नोन टू हो, क्या उसका क्या संबंध है आपसे, उसका सत्य, उसको सत्य नहीं पता सत्य कौन है। भागवत कहती है सत्य वतम सत्य परम त्रि सत्य सत्य योनि निहितम च सत्य, सत्य भगवान है। तो जितना आप सत्य के क्लोज रहोगे, जितना भगवान के क्लोज रहोगे, भगवान का ही एक नाम सत्य है, जितना आप सत्य के क्लोज रहोगे उतना सावधान रहोगे, जितना सत्य से दूर रहोगे उतना असावधान रहोगे। तो भगवान के संग में रहना, गीता भागवत के संग में रहना, हरि नाम के संग में रहना, भक्तों के संग में रहना, मतलब सावधानी में रहना। क्योंकि भक्त बार बार सावधानी देंगे, नहीं नहीं ये माया है, नहीं नहीं गीता भागवत सावधानी देगी, नहीं नहीं ये माया है, नहीं नहीं और हरि नाम सावधानी देगा, नहीं नहीं। जब आप सत्य के क्लोज रहते हो तो आप सावधान रहते हो, सत्य से दूर रहते हो तो असावधान रहते। इसलिए मेक ए हैबिट टू स्टे विद गीता भागवत, टू स्टे विद हरि नाम, टू स्टे विद डिवोटीज, टू स्टे विद स्क्रिप्चर्स, योर सावधान। यही तो सावधानी है, और क्या सावधानी है। जितना क्लोज सत्य के रहोगे उतना सावधान रहोगे, जितना दूर रहोगे उतना उतना असावधान रहोगे। जैसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ, एक एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है ना, उसको कुछ सही गलत नहीं पता, लेकिन जितना अपने पेरेंट्स के साथ रहेगा उतना उनसे सीखेगा, और वही बच्चा जितना मेट्स के साथ रहेगा, काम वाली के साथ रहेगा, इधर पड़ोसियों के साथ रहेगा, बच्चा बिगड़ जाता है ना। तो बच्चे को करना क्या है, एक बिगड़े हुए बच्चे को क्या करना है, माँ बाप को, एक बिगड़े हुए बच्चे, पहले बच्चे कम बिगड़ते थे, ज्यादा बिगड़ते, क्योंकि पहले माए टाइम देती थी बच्चों को, अब माँ टाइम नहीं देती, माँ से दूर है, माँ नौकरी कर रही है, पिता नौकरी कर रहा है, दोनों नौकरी कर रहे हैं, बच्चा माता पिता के संग में कम है, बच्चा ज्यादातर अपनी काम वाली के संग में, काम वाली क्या कर रही है, काम वाली को तो पैसे, वो तो सेवा नहीं कर रही, वो तो क्या कर रही है, वो तो पैसा ले रही है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके संस्कार बने, उसको ये फर्क पड़ता है कि आपको टाइम पे रोटी मिल जाए और आपके कपड़े टाइम पे बदल दूं और आपका बेड बिछा दूं, बस काम वाली का यही काम है। ठीक है, वो भी बहुत ही बड़ी बात है अगर इस कॉन्शियसनेस में। आजकल काम वाले को तो ये भी फर्क नहीं पड़ता कि आप कोई खाना खा रहा है, लेकिन चलो इतना भी कर रही है तो उनका ये मैक्सिमम है, तो कहाँ पे आपकी कॉन्शियसनेस डेवलप होगी। तो माता पिता के संग में रहोगे, माता पिता को रहेगा क्या सीख रहा है, क्या बोल रहा है, कितना पढ़ रहा है, पढ़ क्यों नहीं रहा। बेशक माता पिता मार भी रहे हैं, काम वाली प्यार भी कर रही है, काम वाली के प्यार में कपट है, लेकिन माता पिता की डांट में प्रेम है। इसलिए सत्य के क्लोज रहो। तो बच्चे को सुधारना, तो माता पिता टेक केयर करे, बच्चा सुधर जाएगा, कुछ करना ही नहीं, माता पिता बताएंगे ये सही है वो गलत है, तो बच्चा वही करेगा। इसलिए सावधान रहने के लिए सबसे सुंदर है सही चीजों के संग में रहो। जैसे बच्चा माता पिता के संग में है तो सावधानी है, वो कभी भी हाथ नहीं डालेगा स्विच के अंदर,
वो कभी भी गलत काम नहीं करेगा, लेकिन जो माता पिता की संरक्षण में नहीं है उसको क्या फर्क पड़ रहा है काम मालिकों को, बच्चा क्या सीख रहा है। तो यही है, सावधान रहने के लिए यू हैव टू क्लोज टू शास्त्रार्थ, गुरु, हरिनाम। ओके, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच। और आगे चलते हैं। एक माता जी ने प्रश्न पूछा गुरु जी, उषा माता जी, कि जो गौशाला वाली न्यूज है तो उनसे इनके रिलेटिव थोड़े डिस्टर्ब है और वो कहते हैं कि भैया तुम भी वहां जाना बंद करो। तो हालांकि मैंने इनको रिप्लाई दिया है कि माता जी आप उन रिलेटिव को ही गौशाला ले जाओ सीधे और अपनी आंखों से उनको सारा दिखा दो कि आप थोड़ा ऐड कीजिए इसमें प्लीज। हरे कृष्ण। अच्छा कोई फोन वोन आ गया, आगे चलते हैं हम लोग। ओके अनुष्का माता जी कह रही है, हरे कृष्णा गुरु जी धनो प्रणाम। आई एम वेयरिंग तुलसी माला बट स्टिल समटाइम्स आई हैव कैफीन कंटेंट थिंग्स, अनियन गार्लिक कंटेंट थिंग्स। आई हैव मेंट आई वॉज तुलसी माला, आई नो दिस इज रॉन्ग बट आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल दिन। देखो वैसे माता जी अगर आपने तुलसी माला पहन ली है और आप चैंटिंग करे जा रहे हो तो बहुत ज्यादा चिंता मत करो, अभी एक ही महीना हुआ है, धीरे धीरे कम हो जाएगा और डेफिनेटली आप फील भी कर रहे होंगे कि कम होगा। बाकी ज्ञान आप ले रहे हो, ज्ञान लेते जाओ, अपनी माला अपनी सेवा करते जाओ, धीरे धीरे इन चीजों से कंट्रोल आपको मिल जाएगा। भूख लगा के खाने का प्रयास करो, जितनी चीजें विदाउट अनियन गार्लिक विदाउट कैफीन है उनको भोग लगाने का प्रयास करो, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, एक हायर टेस्ट मिलेगा। जब हायर टेस्ट मिलता है हमारी इंद्रियों को तो लोअर टेस्ट जो है कांदा लहसुन के ये सारे टेस्ट चले जाते हैं, छूट जाते हैं आराम से। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। थोड़ा ज्ञान आज हमने लिया भी कि अगर हमने अपने आप को बांधा नहीं नियम में, ये प्याज लहसुन चाय मदिरा तो इनसे इनसे दूरी रख के अपने आप को बांधा नहीं, तो हमको बहुत बड़े बड़े बंधन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। तो ये भी आप थोड़ा सा इस पे कॉन्टेम्पलेट करो, इसको समझो कि कैसे अगर मैं अपनी इंद्रियों को फ्रीडम देती हूँ, आप कह रहे हैं कि कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, तो इंद्रियां फ्रीडम मांग रही हैं कि हमें मत बांधो लहसुन प्याज ना खाने के लिए या चाय चाय कॉफी ना पीने के लिए। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान करो इस चीज पे कि कैसे अगर मैं इंद्रियों को फ्रीडम देती हूँ तो कैसे ये मेरे बंधन का कारण बनेगी आगे चल के, ठीक है ना। तो जितना हम ज्ञान को फिर सीरियसली लेते हैं, कंटेम्पलेट करते हैं, बुद्धि में फिक्स करते हैं, तो हमें बुद्धि शक्ति बुद्धि को शक्ति मिलती है, ठीक है ना। तो आप ये सारी चीजें करो और अभी क्योंकि समय कम ही हुआ है तो धीरे धीरे रिजल्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो जी आप सुन पा रहे हैं भूमि, हरे कृष्णा, आप इसमें कुछ ऐड कीजिए प्लीज। हाँ 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 सुन पा रहा हूँ, बीच में फोन आ गया था, कोई बात नहीं। क्या कह रही है माता जी? कि वो उन्होंने तुलसी माला पहन रखी है और फिर भी वो कभी कभी प्याज लहसुन और कैफीन वाली चीजें खा लेती हैं, कभी कंट्रोल कोई बात नहीं। मांस मत खाओ, बाकी ठीक है। ओके प्रभु जी, दूसरा ये था कि वो गौशाला वाली जो न्यूज आ रही थी, हमने पहले ये लिया जब आपका फोन आ गया कि गौशाला वाली न्यूज से कई एक माता जी उनके रिलेटिव डिस्टर्ब है, वो कहते हैं जाना बंद करो। अरे यार प्याज लहसुन भी नहीं खाते क्या गौशाला? किसी को मैं कहता हूँ कि आप आपके पास 2 लाख रुपया पड़ा है, आपने चोरी किया, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आपने किया क्या? कोई प्रूफ तो दो ना, क्या है? कोई प्रूफ तो है नहीं। मैं कहता हूँ कि जो ये माता जी प्रश्न पूछ रही है कि आपके पास मेरा 10 लाख रुपया है, दे दो मेरे को, मेरे कहने से क्या हो गया? आपके है क्या मेरा पैसा? मैं इसकी प्रोपोगंडा बना देता हूँ, ठीक है ना। तो उसमें क्या हो जाएगा? ऐसे कुछ नहीं होता, कोई प्रूफ तो हुआ नहीं है। वो गौशाला में, वही गौशाला में मांस बेचते हैं, कोई कोई बेचते नहीं है। इस्कॉन वाले गाय का जितना टेक केयर करते हैं, इसमें प्रभात जी ने ज्यादा फोकस ही नहीं किया गाय पे, थोड़ा बहुत करते हैं हम लोग, हरी नाम पे ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है ना। गौशाला पे हमारा फोकस है, लिमिटेड है, ज्यादा नहीं है। इस्कॉन इज नॉट मोर इन टू गौशाला, दे आर मोर इन टू हरी नाम, क्योंकि हरी नाम करने से गाय का भी उद्धार होगा, जीव का भी उद्धार होगा, समाज का भी उद्धार होगा, ठीक है ना। और कृष्ण को बड़ा प्रसन्न है हरी नाम, कलयुग के लिए, कलयुग का युग धर्म है। गाय ऑब्वियसली कृष्ण को अतिशय प्रिय है, गाय का कृष्ण का लोक है, लेकिन बहुत लोग उसके लिए काम कर रहे हैं, हरिनाम के लिए कोई काम नहीं कर रहा। हम लोग कोई ऐसा कोई हमने तो आज तक कभी देखा नहीं और ना कभी ऐसा सुना है। तो जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते वो क्या गाय को मार के खाएंगे, क्या गाय को बेचेंगे? सब नॉनसेंस लोग है। कुछ एक आधी ऐसी घटना हो जाती है जो उसकी इंटर रिलेटेड घटना होती है। मैं आपको एक अपनी घटना बताता हूँ। मैंने एक व्यक्ति को टूर के ऊपर बोला सब ठीक है, आनंद आया, तो पीछे एक और व्यक्ति बैठा था, वो कहता है देखो प्रभु जी ने काम किया, उसके ऊपर बोल रहे कि आनंद आया, वो गलत समझ गए। तो वो बात और हो रही है, बात और हो रही है, समझ अलग हो गई, है ना। जैसे चाइनीज विस्पर होता है, चाइनीज विस्पर देखा है आपने,
आप 100 लोग होते हैं, 50 लोग होते हैं, पहले वाले लोग को एक कान में बात बोलो थोड़ी टेढ़ी सी कि लाला लाजपत राय का बेटा ये है फलाना कुछ करके, उल्टा सीधा नाम लो उल्टा सीधा, वो आगे जाके फाइनली निकलेगा कि हम लाला लाजपत राय के बेटे हैं, बस ये बात निकल, दैट इज कॉल्ड चाइनीज विस्पर, कि क्या बात निकली थी और बात आगे पहुंचते पहुंचते क्या हो गई जो 50 लोगों के हाथ से निकली। तो वही बात होती है, किसी ने बोला होगा कि यहाँ पे गौशाला है, इस्कॉन इस्कॉन हो गया, गौशाला हो गई, और फिर तो किसी ने आगे बोल दिया होगा कि इस्कॉन टेक केयर कर रहा है गौशाला का, लेकिन किसी ने लेकिन नहीं सुना होगा, किसी ने सुना होगा कि लेकिन कई लोग, तो कई नहीं सुना होगा कि लेकिन नहीं सुना होगा, इस्कॉन लोग सुन लिया होगा, गाय की हत्या करते हैं सुन लिया होगा, कई लोग नहीं सुना लेकिन नहीं सुना, ये बिल्कुल वैसे ही चलता है, ऐसी कई चीजें। तभी तो महाराज बोलते कम्युनिकेट करो, 90% हमारे आपके मेरे सबके बीच में जो रिलेशन खराब हो रहे हैं वो 90% सिर्फ लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से हो रहे हैं, इसलिए कम्युनिकेट करो। मैंने आप मेरे से नाराज हो कि परेश प्रभु ने हमारे लिए बोल दिया, अरे परेश प्रभु से पूछो तो सही, बोला नहीं बोला, पता नहीं किसी और के लिए बोला। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है सब कुछ, किसी ने बोला मेनका गांधी तक बात ऐसे बताया वैसे बताया, तो केस करो, फिर रेस्टिकेट करो, जहां की गौशाला है वो तो कुछ किया नहीं बोल दिया, वो पर्सनैलिटी है ठीक है वो बोल रही है तो उसकी बात को ऑनर कर रहे हैं लोग, वो बात अलग है, लेकिन कोई कोई कुछ नहीं है। एक वो थे ना रामभद्र जी जो पहले इस्कॉन की बुराई करते थे, अभी मैंने उनका नया वीडियो देखा, वो इस्कॉन की तारीफ कर रहे हैं, वो पता है क्या बोल रहे हैं कि इस्कॉन ने तो अंग्रेजों को नचवा दिया, ऐसी संस्था कहाँ मिलेगी, और वही पहले बुराइयां कर रहे थे जो जिनको दिखता नहीं है, जो रामायण की चौपाइयों में से भी कुछ बोलते हैं, पहले बुराइयां कर रहे थे इस्कॉन बाहर की संस्था है पैसा करती है, अब वो तारीफ कर रहे हैं। तो वही व्यक्ति पहले बुराई करके अब तारीफ कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि पता नहीं होता ना, आधा अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, लेकिन भक्त एकदम से इस चीज को समझ जाते हैं। आप देखो राम भद्राचार्य जी का पहले का वीडियो इस्कॉन का और करंट वीडियो, बहुत तारीफ कर रहे हैं इस्कॉन, बहुत तारीफ कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो अंग्रेजों को नचा दिया, अंग्रेजों को हमारी संस्कृति दे दी, प्रभुपाद जी की जय हो, जय कर रहे हो प्रभुपाद, पहले बोल रहे थे इस्कॉन पैसा खाती है फलाना करती है, उन्हीं के दो स्टेटमेंट है भैया, ऐसे कुछ दिनों में आपको मेनका गांधी का भी दूसरा स्टेटमेंट मिल जाएगा, डोंट वरी, लोग सुनते हैं बोल देते हैं, इसलिए तो कहते हैं पहले सुनो तो लो जानो फिर बोलो, लोग ऐसे कुछ भी बोल देते हैं, ये सब चाइनीज विस्पर चल रहा है, इसलिए हम लोग इसलिए लोग भागवत भी चाइनीज विस्पर से ही कर रहे हैं, अपने मन से कुछ भी बोलते हैं, इसलिए गीता खुलवाते हैं, गोकुलानंद को बोलता हूँ गीता से बोल, खुद खुद गीता से बोलता हूँ, हर हर शिष्य हर जो इस उपदेश में बोलता है बोलता हूँ श्लोक कोट करो, श्लोक कोट करोगे तुम्हारा चाइनीज विस्पर नहीं होगा, इसीलिए प्रभात जी बोलते हैं कि क्या हमारे हमारी प्रगति का कारण क्या है, प्रभात जी बोलते थे हम ना कुछ ऐड करते हैं ना कुछ डिडक्ट करते हैं, एज इट इज बोलते, इसलिए प्रभात जी की गीता भी एज इट इज, जितना एज इट इज बोलोगे उतना क्लोज रहोगे कृष्णा, कृष्णा प्रसन्न रहेंगे, ठीक है, अपना मत मत लगाओ, अपनी बुद्धि मत लगाओ, जैसा बोला गया प्रभात ने वैसे बोलो, एवरीथिंग इज चाइनीज विस्पर, ये चाइनीज विस्पर बहुत ज्यादा चलता है, आप देखना कभी यूट्यूब पे व्हाट इज द चाइनीज विस्पर, आपको पता चल जाएगा भाई, यही है चाइनीज विस्पर है और कुछ नहीं है, एज इट इज कोई नहीं बोलता, ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच गुरु जी फॉर वंडरफुल आंसर। गुरु जी याद होगा हम सब लोग मायापुर जब जाते हैं हर साल तो गौशाला में आप लेके जाते हो और वहां पूरे इतने विशाल काय बैल खड़े होते हैं हर बार, और इतने सारे और कितना कितना वो खाते हैं, तो ये तो हमारी देखी हुई चीज है, तो ठीक है माता जी आप देख सकते हैं दिखा सकते हैं उनको, आगे चलते हैं। ये माता जी को बोलो राम भद्राचार्य जी का 2 इंटरव्यू निकाले और दोनों इंटरव्यू अपने माता पिता को दिखाए या अपने रिश्तेदारों को दिखाए जो बोल रहे हो, पहला ये इंटरव्यू है और दूसरा ये इंटरव्यू है, दोनों इंटरव्यू देख लो, अब एक ही बंदा बोल रहा है, कौन सा मानोगे पहला वाला दूसरा वाला। ओके थैंक यू भैया जी, तो आगे चलते हैं हम लोग, और सुमन माता जी कह रही हैं हरे कृष्ण धर्म, पूरी संसार में कितने लोग हैं जिनको उनका गोल ही नहीं पता और इधर से उधर भाग रहे हैं, उनकी चेतना कॉन्शियसनेस क्यों नहीं हो पाती कि मनुष्य जीवन कितना अनमोल है। हाँ तो हम इसलिए यही तो कार्य कर रहे हैं, हम लोग गोल ही तो बता रहे हैं लोगों को कि भैया हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है ना, सबको जीवन में चाहिए सुख, ठीक है ना, और सुख ढूंढने के लिए उन्होंने रास्ते बना रखे हैं अपने अपने, कोई पैसे में ढूंढ रहा है, कोई घूमने फिरने में ढूंढ रहा है, कोई सारे
स्त्री पुरुष में ढूंढ रहा है, कोई किसमें ढूंढ रहा है, कोई किसमें ढूंढ रहा है। तो हम लोगों का मूवमेंट यही तो है कि लोगों को उनका गोल समझाए कि हमारा गोल है सुख, जीवन में आनंद होना चाहिए और वो आनंद भगवान की भक्ति से है। तो शास्त्रों में जाते हैं तो थोड़ा हमको पता चलता है, तो इसलिए प्रचार हम लोग करते हैं ये भक्ति का, भगवान के नामों का। तो ये प्रचार करते रहो, लोगों को क्लियर होता रहेगा। बाकी प्रभु जी याद करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी दिन प्रणाम। जब गुरु नानक देव जी ने भ्रमण किया ना पूरे जगन्नाथपुरी और बंगाल और नॉर्थ में पूरा दिल्ली और लखनऊ में भी रुके, कानपुर, फिर पंजाब, हरियाणा, बहुत बड़ा भ्रमण किया। गुरु नानक देव जी जब भ्रमण कर कर आए तो गुरु नानक देव जी से यहाँ पे कुरुक्षेत्र में कुछ भक्त मिले और उनसे पूछते आपने इतना भ्रमण किया आपको सब जगह एक चीज क्या कॉमन दिखी? तो गुरु नानक देव जी कहते हैं हाँ मुझे एक चीज सब जगह कॉमन दिखी। क्या दिखा? कहते हर कोई सुख के पीछे भाग रहा है, मुझे कॉमन दिखा। तो उन्होंने उस समय एक बात बोली, नानक दुखिया सब संसार। तो सब सुख के लिए भाग रहे हैं लेकिन नानक ने देखा कि दुखिया सब संसार, कि सारा संसार तो दुख में ही है और सब सुखी सोई जीव जो नाम आ रहा। लेकिन वास्तव में मैं आपको बताता हूँ सुखी वही जीव है जो भगवान का नाम देता। तो ये एक्चुअली इस जगत में सुख का रास्ता है, यहीं से सुख का रास्ता शुरू होता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को वृंदावन का जो गेट है वो मायापुर में खुलता है। गुरु नानक देव जी ये तो बता गए कि सुखी सोई जीव जो नाम आधार, लेकिन आधार कहाँ पर है वो स्थान नहीं बता कर गए, वो है मायापुर, क्योंकि नाम का धाम वही है सुखी सोई जीव जो नाम आधार। जब मैंने सुना तो मुझे समझ में आया, मैंने बोला गुरु नानक देव जी सिर्फ मायापुर बोलना भूल गए, अगर बोल देते तो आज पूरा विश्व गौरताई की भक्ति कर रहा होता, क्योंकि बहुत फॉलोवर्स है ना नॉर्थ में उनके। इवन हम लोग भी पहले सिख कम्युनिटी को फॉलो करते हैं ज्यादातर पंजाबी लोग ना। तो कहने का भाव ये है कि नाम का जो आधार है वो मायापुर है, वहीं से निकला है नाम। तो पूरे जगत का आधार ही केवल कलयुग में मायापुर धाम से ही भक्ति शुरू होती है, अगर आप देखो तो, अगर कायदे से देखो तो, अगर थोड़ा दिमाग लगा के देखो तो, अगर भगवान ने बुद्धि दी है तो आपको दिखेगा, क्योंकि नाम ही आधार है कलयुग को, केवल नाम आधार है। नानक दुखिया सब संसार सुखी सोई जी जो नाम आधार, आधार तो नाम है। तो उस आधार का आधार कहां पर है? उस आधार जो नाम सबका आधार है, तो नाम का आधार कहां पे है? नाम का आधार है मायापुर। इसलिए वृंदावन के गेट वृंदावन में है ही नहीं एक्चुअली, वृंदावन तो कवर्ड है चारों तरफ में, एक भी दरवाजा नहीं है वृंदावन का, वृंदावन का दरवाजा तो मायापुर में खुलता है। तो इसलिए मायापुर इज अ डिवाइन धाम। मुझे मायापुर की याद आ जाती है हर हफ्ते 10 दिन बाद, आई डोंट नो क्यों आती है पता नहीं, क्योंकि मायापुर महाप्रभु की कृपा क्षेत्र है, वहीं से पूरे विश्व में कृपा बटी है और वही नाम का आधार वो है। नाम इस जगत का आधार है, उस जगत के नाम का आधार मायापुर धाम है। उस मायापुर धाम में जो आधार है वो है श्रीवास आंगन, जहां से नाम निकला। तो इस विश्व में सबसे सुंदर स्थान, अगर कोई कहे कि किसी की मृत्यु हो कोई ऐसा स्थान, सबसे दिव्य तो व्यक्ति वो है जो श्रीवास आंगन में मरता है, जहां से नाम कीर्तन आंदोलन शुरू हुआ। इसलिए अगर आप और डीपली डीपली जाओगे तो आपको अंदर अंदर बहुत कुछ दिखेगा। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने मायापुर याद दिला दी। अलका माता जी कह रही हैं, प्रभु जी मेरे प्रभु जी का क्वेश्चन है, दिवाली के 20 दिन बाद ही दशहरा का, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, दशहरे के 20 दिन बाद दिवाली क्यों मनाते हैं? वो इसलिए कि जब ये रावण को मारा वो दिन था दशहरा, और दिवाली वो है जब राम जी पहुंच रहे हैं अयोध्या में, तो 20 दिन तो लग गए ना सारा सब कुछ करते करते। आगे प्रभु जी बताएंगे। हाँ, बीच में लग गए 20 दिन, वैसे तो ये दिन कम लगते लेकिन मिनिमम 20 दिन लग गए। भगवान पहले भी पहुंच सकते थे लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर रुकना पड़ा, सारे के सारे लोगों को खुश करना पड़ा। लेकिन अगर एक दिन और लेट हो जाते तो ऐसा लिखा गया है, तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरित मानस में, राम जी को पता था अगर मैं कल पहुंच गया तो भरत सुसाइड कर लेगा, भरत मार लेगा अपने आप को, क्योंकि भरत ने 14 साल पूरे उसी दिन को खत्म हो रहे थे। ठीक है, तो भारत को पता था, राम जी को पता था अगर मैं एक दिन लेट हो गया तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। तो राम जी ने एंड में बहुत फास्ट किया कि मुझे उसी दिन पहुंचना, क्योंकि
इतना भरोसा था राम जी को कि भरत एक नंबर का भगत है मेरा, भरत एक सेकंड भी मेरा वेट नहीं करेगा। अगर मैं लेट पहुंचा आधा एक घंटा भी तो भरत अपने आप को सुसाइड कर देगा। तो दिवाली इसलिए मनाई जाती है कि राम जी पहुंचे, और दिवाली इसलिए मनाई जाती है कि राम जी अपने भक्त की आतुरता में पहुंचे। तो दिवाली हमारे लिए क्यों, क्या दिवाली का सिग्निफिकेंस होना चाहिए हमारे लिए कि भगवान जी की आतुरता का प्रदर्शन है दिवाली, कि भगवान कितने आतुर है। उसी प्रकार हमें आतुरता से दीपावली मनानी चाहिए। भगवान अगर एक घंटा भी लेट हो जाते ना तो भरत ने अपने आप को सुसाइड कर लेना था। भरत ने बोला था एक बार कि आपकी तिथि का इंतजार कर रहा हूँ, तिथि से आप गड़बड़ करी तो समझ लेना मैं रुकूंगा नहीं यहाँ पे, बस मेरी सेवा का इतना ही समय है। थैंक यू सो मच भाई। आगे चलते हैं। तो जी हमको बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए? इफ यस देन व्हाट इज द राइट वे? बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, खुशी का दिन है, लेकिन दिमाग में ये कॉन्शियसनेस के साथ कि ये बर्थडे नहीं है, साल गिरा है, साल गिर गया है हमारा एक, और हम धीरे धीरे काल की ओर बढ़ रहे हैं। सेलिब्रेट कैसे करें? भक्तों के साथ भगवान की कथाओं का आनंद लेते हुए। भागवतम कहती है, आयुर हरती वही पुंसा उद्यानस्त चैन्य सो, ठीक है ना, कि हर उदय होता और अस्त होता सूर्य एवरी डे हमारी आयु को हर रहा है, तो इसमें खुशी की क्या बात है? लेकिन फिर भी खुशी की बात है, क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं उनको ये काल नहीं हर पाता, है ना, जो भगवान की कथाओं में डूबे रहते हैं, भगवान की सेवाओं में डूबे रहते हैं, वो सगुणान संपीते जान हो जाते हैं, ठीक है ना, गुणों को लांग जाते हैं, तो वो सेलिब्रेट कर सकता है। तो भक्त को बर्थडे सेलिब्रेट करने का अधिकार है पूरा पूरा। और कैसे करें? भक्तों को बुलाएं, भक्तों के साथ भक्तों को खिलाएं, उनकी सेवा करें, दिस इज द करेक्ट वे, ठीक है ना। बाकी प्रभु जी बताएंगे। हरे कृष्णा पूरी तरह प्रणाम। नहीं सही बोला आपने, बिल्कुल करना चाहिए और करने का तरीका सही होता है। कार्य देखो सारे कार्य करने चाहिए, ठीक है ना, कार्य करने का पर्पस सही होना चाहिए तो कार्य सारे करने चाहिए। कार्य करने का कोई दिक्कत नहीं है तो बिल्कुल ठीक बताया कि आयु हरती वे पुंसा, हमारी आयु रोज हर रही है, जैसे सूर्य उदय होता है सूर्य जाता है तो हमारी आयु हरती है। लेकिन अगर हम उत्तम श्लोक वार्ता में टाइम निकालते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उत्तम श्लोक वार्ता में टाइम नहीं निकलता तो आयु हरने का बहुत घाटा है। तो ये हमें करना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, शुद्ध भक्तों की संगति करनी चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान की लीलाएं में क्या श्लोक है, सता प्रसंगा संविदो भवंती हतकर्ण हितकर्ण अयन्या कथा कथा तत्जोषणात् आश अपर्गवत्मनि शब्दारती भक्ति अनुक्रमश्यति। भागवतम हमको शुद्ध भक्तों की संगति करते हुए भगवान की लीलाओं में का श्रवण करता रहना चाहिए, जो कि क्या है भगवान की लीलाएं, हटकर्ण रसायन 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 मतलब होता है जो आपके हृदय को कान को रसायन रस देती है, और वही हमारा क्या है तथा तत् जोषणा, और उनकी हम जो जोशनाथ हमारे अंदर उनसे जोश रहता है, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमश्यति, और इससे धीरे धीरे हमारी भक्ति रति अनुक्रमश्यति बढ़ती रहती है, क्रमशः बढ़ती रहती है, और क्रमशः बढ़ती रहना चाहिए। तो हमें हमें क्यों मनाना चाहिए जन्मदिन, क्योंकि भक्ति रति श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमश्यति, कि हमारी भक्ति श्रद्धा रति अनुक्रमश्यति बढ़ती रहे, और हम ये याद रखें कि आपकी कृपा से हो रहा है, जो हो रहा है हम कुछ नहीं कर रहे, आपकी कृपा से हो रहा है बस, इसलिए हमें करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, जरूर मनाना चाहिए, ठीक है। हरे कृष्ण। लेकिन थैंक यू सो लेकिन मच ध्यान रखो भगवान का स्मरण करते हुए, ये नहीं है कि मुर्गे काटने चाहिए मांस खाना चाहिए, वो नहीं, थैंक यू बोलना चाहिए। आपने मनुष्य जीवन दिया और हम मनुष्य जीवन में आपका भजन करें, उसका धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर जी। हरे कृष्णा आदरणीय। हाँ उषा माता जी, कोई दिक्कत नहीं है, हम समझ गए आपकी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलते हैं। ये कह रहे हैं हरे कृष्णा दोनों प्रणाम जी। हरे कृष्णा पूजी दोनों प्रणाम।
राधा गोपाल प्रभु की जय। बहुत ही वंडरफुल सीजन प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने बताया। प्रभु जी मेरा प्रश्न था, जैसे आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, तो एक भक्त को अपने पितरों के निमित्त कैसे श्राद्ध बनाना चाहिए, थोड़ा प्रभु जी उस बारे में बताएं। हरे कृष्णा धन प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी धन प्रणाम, आपके जय, परेश्वर जी की जय, श्री गुरुदेव की जय। और सुंदर क्वेश्चन आपने पूछा, श्राद्ध चल रहे हैं तो श्राद्धों में हमें श्राद्ध को कैसे मनाना चाहिए, भगवान के भक्तों को आमंत्रित करना चाहिए, कथा होनी चाहिए, कीर्तन होना चाहिए, और फिर सुंदर पकवान बना के भगवान को लगाएं भोग, फिर भक्तों को लगाएं भोग, और फिर खिलाएं अपने पितरों को और उनको भी मुक्त करें, और फिर जाते हुए दें भक्तों को दान, सुंदर सुंदर, ठीक है। तो ये दिस इज द वे ऑफ सेलिब्रेटिंग श्राद्ध। बाकी प्रभु जी और थोड़ा बता देंगे। हमने जो क्लास ली थी ना, वो क्या कहते हैं यमराज और यमदूतों वाले, उसमें ये बात उठी थी। यमराज यमदूतों को बोल रहे थे कि उन्होंने दो नाम लिए थे, जैमिनी ऋषि और आयुर्वर ऋषि। और बाद में परपट में मैंने बोला भी था, अगर आपने सुना हो, कि जगत में अगर मैंने बड़े सारे सेगमेंट बताए थे आपको, 10-15 चीजें बताई थी, ऐसा करो वैसा करो वैसा करो, तो उसमें एक जगह ये बताया था कि अगर अगर आप भगवान का नाम लेते हो तो कोई कार्य आपके लिए करने के लिए शेष नहीं रह जाता। लेकिन हाँ, क्योंकि वहां पे बोलते हैं प्रभात जी, परपट में मैंने परपट पढ़ा था उसका, परपट में प्रभात जी बोलते हैं हमने मंदिर बनवाया, मंदिर बनवाते समय तो स्मार्ट ब्राह्मणों की बात हुई थी, तो प्रभात जी कहते हैं हमें, हमने भी यज्ञ किए, लेकिन हमें यज्ञ किनके लिए किए, जो वहां पे ब्राह्मण थे जिनको स्वर्ग आदि जाना था, लेकिन वो भी चला और साथ में हमने हरिनाम भी किया। और हरिनाम इसलिए किया क्योंकि वैष्णव को स्वर्ग नहीं जाना, वैष्णव को भगवान की सेवा से प्रसन्न होना। तो पहली बात, ये जितने भी, अगर आप पितरों को प्रसन्न करोगे, सुनो मेरी बात, सिद्धांत बता रहा हूं, पितरों को प्रसन्न करोगे तो पितर प्रसन्न होंगे, भगवान का कोई मतलब नहीं है। अगर भगवान प्रसन्न हो गए तो आपके पितर कहीं पर भी हो उनका उद्धार हो जाएगा, आप समझो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे आप एक, आपके यहाँ कोई एम्प्लॉय है, आप उसको 15,000-20,000 तनख्वाह देते हो, मान लो किसी के पास कोई एम्प्लॉय है, उसको 15,000-20,000 तनख्वाह देते हैं और वो उससे सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो एम्प्लॉय जो है वो आपके पुत्र की सेवा करे, आपके पिता की सेवा करे, तो आपके लिए 15,000 वैल्यू नहीं रखते। पता नहीं आप 25 दे दो, पता नहीं आप 50 दे दो, पता नहीं आप क्या दे दो, पता नहीं आपको मन कुछ करे, कुछ भी दे दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सिमिलरली जब आप भगवान को प्रसन्न करते हो और भगवान की परंपरा गुरु आदि को प्रसन्न करते हो, तो भगवान कुछ भी कहीं पे भी आपके पितर होंगे उनको वैसे ही खाना पीना दे देंगे, क्योंकि हम शुद्ध नहीं है, क्योंकि हम स्वच्छ नहीं है, क्योंकि हमारी धृति नहीं है, इसलिए हम ये सब कुछ करते हैं और सब कुछ करना चाहिए। लेकिन करते हुए भी वैष्णव को ध्यान रखना चाहिए, लोग कर्मकांडी ब्राह्मणों को पूछते हैं, सुरती खाता है, प्याज खाता है, मांस तक खाते हैं आजकल, मैं तो अंडा खाते हो ब्राह्मण को देख लियो, मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं, नॉनसेंस है, क्या आप सोच रहे हो, बस आपका मनोधर, आपका मन खुश हो रहा है, तो बेटर है किसी वैष्णव को बुलाओ, उसको खिलाओ, उसको ही दान दो। अगर उसके बाद भी आपको लगता है उसको दान देना सफिशियंट ही है, फिर भी आपको लगता है, तो फिर ठीक है, उसके बाद एक आधा कोई ब्राह्मण पूजा लो घर वाले को दिखाने के लिए कि हाँ मैंने पंडित को बुलाया, ये लो मंदिर का पंडित इसको, लेकिन साथ में वैष्णव को पहले कर लो, क्योंकि बेटर है, ठीक है ना, ये ऐसे करना चाहिए श्राद्ध, ठीक है। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण धन प्रणाम। परीक्षित प्रभु का प्रश्न है कि हाउ टू एस्टेब्लिश फेथ इन कृष्णा, कृष्ण में अपनी श्रद्धा को कैसे फिक्स करें। तो कृष्ण में श्रद्धा है तभी तो कथा सुनने आते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि बस अब बात है फिक्स करने की, इसको बढ़ाने की, तो वो आपको आएगी कथाओं के श्रवण से, सेवाओं को करने से, ठीक है ना, ज्ञान लेना और ज्ञान को फिर विज्ञान में बदलना, ठीक है ना। जब आपने ज्ञान लिया कि गाड़ी चलाना बहुत अच्छा है, बड़े मजे आते हैं, तो ज्ञान ले लिया आपने, सीख लिया गाड़ी चलाना, और जब आपने खुद चलाया उसको, ज्ञान को विज्ञान में बदला, तो आपने अनुभव किया कि वास्तव में बड़े आनंद आते हैं, फटाफट पहुंच जाते हैं, कहीं जाना है फटाफट पहुंच जाते हैं। तो अगर श्रद्धा को और फिक्स करना, प्रगाढ़ करना है, तो ज्ञान देना होगा, साथ में सेवा करनी होगी, इससे हमारे अंदर रियलाइजेशन आएंगे, और रियलाइजेशन जो है वही भक्ति में सबसे बड़ी संपत्ति है।
जिसके पास जितने रियलाइजेशन होंगे सुंदर, वो उतना पक्का रहेगा, वो भक्ति आगे बढ़ेगी दिनों दिन। जिसके पास रियलाइजेशन की कमी है, वो डुलमुल नीति से चलता रहेगा, उसका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। आज कुछ कर लेगा, चार दिन फिर ऐसे ही टाइम पास करेगा, ठीक है ना। तो आप आते रहो, कथा सुनते रहो, ज्ञान लेते रहो, ज्ञान को अप्लाई करते रहो। आगे संगी माता जी कह रही है, संगी माता जी कह रही है, प्रोजेक्ट उपदेश लेक्चर घर के काम करते हुए ब्लूटूथ पर सुनती हूँ, तो ये सही है। हाँ तो यही तो सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे पूजा माता जी कह रही है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रणाम, क्या राम जी को पता था वो भगवान है? बिल्कुल, भगवान भगवान मूर्ख थोड़ी है, भगवान को सब पता है, लेकिन वो एक्ट कर रहे हैं, एक एक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो नहीं दर्शाना चाह रहे कि मैं भगवान। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लीला की प्रासंगिकता के लिए, जैसे कृष्ण लीला में लीला की प्रासंगिकता के लिए भगवान की शक्तियां भगवान की इच्छा के अनुसार भगवान को भगवत्ता भुला देती है। जैसे जब यशोदा मैया के आगे आगे कृष्ण भाग रहे हैं, यशोदा मैया छड़ी लेके भाग रही है, तो भगवान की शक्ति ने, योग माया शक्ति ने भगवान को उनकी भगवत्ता भुला दी, ताकि वो माता से पिटाई का भय का आस्वादन कर सके, ठीक है ना, माता के वास्ते ले और माता की पिटाई, इन दोनों का आनंद ले सके, इसलिए उनको भगवान की शक्ति ने उनकी भगवत्ता भुला दी। लेकिन भगवान को पता होता है कि वो भगवान है। बाकी सूर्य जी एक्सप्लेन करेंगे, इसमें भी लगता है सूर्य जी नहीं है। आगे चलते हैं, श्रेया माता जी कह रही है, समझा दट वाई टू फॉलो स्कॉन देन अपार्ट फ्रॉम ऑथेंटिक संप्रदाय जितने महापुरुष एक गोस्वामी है, चलो प्रभुपाद हरि नाम एंड देन इट इज बिजनेस स्क्रिप्चर व्हाट एल्स वी कैन से, और कहना क्या है, इतना कुछ तो है ना, इतना कुछ तो आ गया, तो इसके अलावा और क्या कहना है। बाकी उनको बोलो कि भैया पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। जब आप इसमें आओगे इस्कॉन में, दूर से मत पूछो, IIM अहमदाबाद कितना अच्छा है, हाँ कितने बढ़िया बढ़िया पैकेज लगते हैं, तो जंदर जाओ, जाके एडमिशन लो और खुद अनुभव करो कितनी सुंदर पढ़ाई होती है। तो आप आओ हमारे साथ और आके देखो यहाँ कितना आनंद है, कितनी शुद्धता है, कैसे निस्वार्थ भावना के साथ लोग सेवा करने के लिए तत्पर है, तो ये बताओ लोगों को और उनको लेकर आओ। सबसे अच्छा तरीका है कि उस व्यक्ति को देखा जाए जिसने उसके यूज से कुछ फायदा मिला हो। जैसे कई बार होता है ना, चेहरे पे पिंपल हो गए, तो पिंपल हो गए तो माता जी ने अपनी फ्रेंड से पूछा कि भाई तेरे भी तो थे, तेरे तो नहीं है, तो बोले मैंने वो फलाना XYZ क्रीम लगाई उससे ठीक हो गया, और तुरंत उसने भी अप्लाई की और उसको भी बेनिफिट आया। तो जब हम उनको ये रियलाइज कराएंगे कि हम कितने आनंद में सुख में, हम कितनी दिव्यता के साथ शुद्ध जीवन जी रहे हैं, ठीक है ना, भगवान के साथ कितना सुंदर कनेक्शन फील कर रहे हैं, तो फिर उनको भी विश्वास होगा, उनको भी हमारे साथ ट्राई करने का प्रेरणा मिलेगी। बाकी प्रभु जी एक्सप्लेन करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी बनो प्रणाम। तो एक मिनट, फोन बहुत आता है, मैं सुन नहीं पाया, क्या प्रश्न था? तो ये क्वेश्चन ये था कि हम, कोई लोग बोलते हैं कि इस्कॉन के ज्वाइन करें, तो उनको हम बताते हैं कि चार भी जगह संप्रदाय है, वैलिड है, महाप्रभु आए, चढ़ गोस्वामी है, शिल प्रभुपाद हरि नाम, ये सारी चीजें बताते हैं, इसके अलावा और क्या बताएं? उसके अलावा एक बार बताओ कि आप इतना कुछ ज्ञान ले रहे हो, आप 5-6 जगह घूम भी चुके हो, यहाँ पे भी महीना 2 महीना निकाल लो भैया, ये टाइम निकाल लो, तो थोड़ा आके देखो और उसके बाद फिर आपको अपने आप ही एक्सपीरियंस मिल जाएगा। कई चीजें एक्सपीरियंस से ही समझ में आती है, कितना मर्जी ज्ञान दे दो घुसती नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा सब जगह भटके हो, यहाँ भी भटक लो, थोड़ा सा पता चल जाएगा, क्या समझ में आ जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उनको बोलो जो भी डाउट में है मायापुर चले, 15 दिन मायापुर रहेंगे, ठीक हो जाएंगे, ठीक है। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। तो आगे कह रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी दोनों प्रणाम। दोनों प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, आवाज आ रही प्रभु जी मेरी? हाँ जी, हाँ जी माता जी, दोनों प्रणाम बताइए। हाँ प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास आपकी, बहुत अच्छे से बताते हो आप प्रभु जी। बस एक ये पूछना चाह रही थी मैं आपसे कि पितृ दोष कैसे लगता है, इसका कुछ अगर ये पता चले तो। जो पितरों को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके तारने का प्रयास नहीं करता, उसको पितृ दोष लगता है, क्योंकि उसकी पितरों के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की है शास्त्रों में कि वो तारेगा उनको, भगवान की भक्ति करेगा, ठीक है ना, लेकिन वो कर नहीं रहा तो उसको दोष लगेगा।
ठीक है, बाकी प्रभु जी बताएंगे इस गंभीर विषय पे थोड़ा। देखो जो घोगलाना ने बोला वो तो टॉप मोस्ट आंसर है। एक्चुअली दो तरीके से चीजें गिनी जाती है, एक चीजें गिनी जाती है भागवत महात्म्य से, भागवत संदर्भ से, और एक होती है तिथि संदर्भ कहते हैं जिसको, जिसके बड़े सारे नाम होते हैं, तिथि संदर्भ, वेद संदर्भ, तो इनमें से गिनी जाती है। तो जो ये तिथि संदर्भ में से पितृदोष निकल कर आते हैं कि आपका पितृ इस तिथि को मरा तो आपको पंच के लग गई, फलाना हो गया। लेकिन मैं कहता हूँ अगर आप अच्छे भक्त हो तो पंचकों का भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर पंचकों का मतलब कि किसी की तिथि में किसी के कुल का कोई मर गया तो पांच लोग मरेंगे, उसके उसके दोष को निवारण करने के लिए लोग वो काले काले तिल डाल के आटे में उसके वो बनाते हैं, क्या बनाते हैं उसको, क्या कहते हैं, आई थिंक उसको कुछ ब्राह्मण लोग कहते हैं, तो कुछ नाम होता है, मैं नाम भूल गया। हाँ पिंड दान करते हैं, कि पितृ दोष है कि तिथि के हिसाब से तो वो पिंड दान करते हैं, पितृ दोष से बाहर निकलते, तो तिथि संदर्भ में निकलते हैं दोष। उस तिथि में पिता क्यों मरे, क्योंकि ये था फलाना, पंडित बोलते हैं कि इस तिथि में क्यों, आप कह सकते हो कि इसमें हमारा क्या गलती, होंगे तिथि क्यों निकली, वो तिथि निकली इसका आपका दोष है, इसके लिए भुगतान करो। लेकिन मैं कहता हूँ अगर आपका तिथि दोष भी है, आपका सब कुछ भी है, पितृ तिथि दोष भी है कि आपके पंच के निकली हुई है कोई भी है, तो भी आप भगवान की भक्ति करो तो सबसे सुंदर है। और वैसे मेरी नजर में और गोकुलानंद की नजर में हम सबको पितृ दोष ही है, क्योंकि हम अपने पितरों के लिए कुछ कर नहीं रहे। हमें अच्छी भक्ति करके अगर आप अच्छे भक्त बन जाओगे तो आपके 11-21 पीढ़ियां तर जाएंगी, तो किसी भी दोष में, चाहे वो किसी भी दोष में रह रही हो, सबसे सुंदर है कंचित केवल या भक्ति वासुदेव परायण मगन धनवंती काचन निहार भास्कर। ये आप लोगों से होगा ही नहीं, ऑनेस्टली 90% लोगों से, आप में से आज सुनने वालों में से भी 99% लोग, मैं इनमें 100% 95% लोग ऐसे होंगे जो बिलीव नहीं करेंगे इस बात को 100%। नहीं फिर भी प्रभु हम बेशक सनातन धर्म फॉलो करते हैं, कहीं ना कहीं लिखा है, आग लगा दो ऐसे शास्त्रों को जो जो भगवान की अन्यता में बाधा कर रही है। तो लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं ऐसे ही करता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है ना, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता और आपको नहीं पढ़ना चाहिए। ये जितनी अनन्यता होगी आपके अंदर, जितनी लेस आपका क्या कहोगा, लेस स्कोप ऑफ शास्त्र एक्सेप्ट ऑफ गीता भागवत चेतन चेतन, उतना आपका कल्याण। तो इसलिए ये पितृ दोष और ये मातृ दोष और ये संसारिक दोष ये आपको लगेगा क्योंकि आप डरते हो शास्त्रों से, शास्त्रों की वाणी से डरते हो, घर वालों के दिए गए नियमों से डरते हो। हमें कोई डर नहीं है, हमें जो कोई कहो कि इस तारीख को ये है उस तारीख को, हमें कोई फर्क नहीं। इसलिए संत को सदा दिवाली आठों पहर आनंद, ये स्थिति में आने के लिए ये सबके भाग्य से स्थिति मिलती है सबको, भगवान करे सबको मिले, मुझको तो नहीं मिली, मैं चाहता हूँ कि मुझको भी मिले, लेकिन आप भी स्थिति में आ जाओ, कोई पितृ दोष नहीं है। और हमको पितृ दोष लगा है क्योंकि हम अपने पितरों के लिए कुछ कर नहीं रहे, तिथि के हिसाब से, योग के हिसाब से, समय के हिसाब से बहुत दोष है हमको, तो उनको एक्सेप्ट करो। इसलिए कितना परसेंट आपकी अनन्यता आएगी, जितना परसेंट ये वहम वेदों का डर, महाराज ने क्लास दी थी गोवर्धन में, महाराज बोल रहे थे किस किस को वेदों का डर है, अभी भी किसी ने हाथ नहीं खड़ा करा, महाराज के तो अच्छा इतने अच्छे भक्त किसी को डर नहीं है वेदों के नियमों का अगर हरिनाम करते हैं। महाराज ने कहा ये होना चाहिए, पता नहीं कितनों को है नहीं है, तो इसलिए करवा चौथ रखना, इसलिए ये सब वेदों का डर है और ये सब लोगों का डर, ये सब इधर उधर का सुना का डर है, भगवान के भक्त को कोई डर नहीं। जितने अनन्य भक्त हो जाओगे, जितने सुंदर आप भक्त हो जाओगे, जितनी अनन्यता भक्ति के आपके अंदर भक्ति का विकास हो जाएगा, उतने सुंदर आपका आपका क्या हो जाएगा, आपका चेहरा सुंदर, आपका ग्लो आएगा, आपके अंदर से ग्लो निकलेगा, आपके अंदर हमेशा खुशी रहेगी, आपके मुख में हमेशा मुस्कान रहेगी, ये सब इसका निशानी है, अनन्य भक्ति की निशानी है। तो अनन्य भक्ति नहीं करने की वजह से ही ये सब कुछ चलता रहता है, हमारा थोड़ा थोड़ा गड़बड़ चलता है, थोड़ा थोड़ा हमको डर लगता है, ठीक है, तो ये ऐसे चलता रहता है। भगवान क्या बोल रहे हैं भगवत गीता के 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में, महात्मा नाम तुम माम पार्थ, जो महात्मा है वो देवी प्रकृति आश्रित, उसके ऊपर कोई आश्रय नहीं, वो मेरी देवी प्रकृति का आश्रय है। और वो क्या करता है, वो क्या करता है, भजंती अनन्य मनसा अनन्यता के साथ मेरी भक्ति करता है और देवी प्रकृति का आश्रय। और हमको किसका आश्रय है, हमको दुर्गा प्रकृति का आश्रय, हमको ये संसार प्रकृति का
भगवान कहते देवी प्रकृति, देवी यहाँ पे श्रीमती राधा रानी के लिए बोला गया, महात्मा नाम तो माम पार्थ है, देवी प्रकृति महाश्री को भजंती अनन्य मनसा ज्ञातवा भूत आदि भव्यम, वो मुझे आदि अविनाशी भगवान के रूप में जान पाते। तो जितने भी पितृ दोष है, जितने भी दोष है, भगवान गीता में क्या बोल रहे हैं, यान्ति देवव्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रता भूतानी यान्ति भूतज्ञ मध्याजी यान्ति अभिमाम। भगवान कहते हैं मेरी भक्ति करो, जो मेरी भक्ति करता है मेरी शरण में आता है। इसलिए आपकी अनन्यता, और ये दो मिनट में आएगी नहीं, ये भी याद रखना, आज सुन लिया आएगी नहीं आएगी, सच्चाई है, उसको टाइम लगेगा, लेकिन सुनते रहो एक दिन आ जाएगी, आ जाएगी धीरे धीरे आ जाएगी, डोंट वरी, ये एक दिन आ जाएगी, एकदम से नहीं आएगी, आर्टिफिशियली नहीं, हमको नहीं आई, हमको नहीं आई, आप सबको, हमको टाइम लगा, 2007 में दीक्षा हुई, 2016 तक तो हम भी, हमको भी नहीं आई, 10 साल तो हमको लग गए, अभी भी नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी कंफर्म हो रहा है कि यही करना है, इतना तो आ रहा है, 10-15 साल लगेंगे, वो भी तब लगेंगे लगातार करते रहो, अनन्य भक्ति के स्तर पर तो आना पड़ेगा। भजंती अनन्य मनसा, भजंती अनन्य मनसा, भगवान कहते हैं अनन्य मनसा, भजंती अनन्य मनसा, ज्ञात्वा भूत आदिम अव्यम अजम अव्यम, है ना, भगवान बहुत सुंदर बताते हैं अनन्य मनसा करो ना, तो इसलिए कोई पितृ दोष आपको नहीं लगे, भगवान के भक्त को कोई दोष नहीं है। और क्या करो, जो अपने पिता का माता का श्राद्ध करना चाहता है, अपने दादा का परदादा का, जो आपने करना है करो, और दो माला उनको समर्पित कर दो, आज ये दो माला, वो दो माला से उनका कल्याण हो जाएगा, गाय को कुत्ते को कौवे को खिलाने से कुछ नहीं होगा, ब्राह्मण को खिलाने से, उनको दो माला दे दो, समर्पित कर दो, और भगवान का नाम उनको दे दो, उनका कहीं पर भी होगा उनका कल्याण, ये विश्वास मनुष्य, पितृदोष, हमारी हाथ की रेखाएं, हमारी कर्म, हमारा कर्म, हमारा योग, हमारा भोग, बहुत चीजें है जगत में। तो यमराज क्या कह रहे हैं, भैया कुछ नहीं होता, जो भक्ति कर रहा है ना, यमराज तो झुक गया उसके आगे, यमदूत तो डर गए उससे, फिर भी भक्त डरता है क्योंकि वो अनन्य भक्त नहीं, इसलिए यमदूत हमसे नहीं डरते, हमको डराते हैं क्योंकि हम अभी संसार के नियमों से डरते हैं, इसलिए यमदूत हम पे असर भी करता है, इसलिए हम मरते हैं तो अंत समय में यमदूतों के भी कभी कभी दर्शन हो जाते। और भागवत कह रही है, यमराज कह रहे हैं भागवत में, मेरा भक्त जो भी भगवान का अनन्य भक्त है, भजंती अनन्य मनसा, यमदूत कहते हमें उनसे डर लग गया, भाई स्टेटमेंट दे दी यमदूतों ने, हम डर गए भाई, हमारे तो हमारे बस का नहीं है, श्लोक नंबर 30 या 31, 6-3, 30 या 31, पता नहीं कौन सा श्लोक है, चेक कर लेना, यमदूत 34 क्या कहते हैं, यमदूत कहते हैं दृष्टम, दृष्टम से शुरू होता है ना, लास्ट वाली लाइन पढ़ता हूँ, दृष्टम च विभ्रति तत्प्रभवति स्म राजन, विभ्रति मतलब डरता हूँ, भयभीत रहता हूँ, और क्या बोलते हैं, दृष्टम देखने से, मुझे भगवान के भक्तों को देखने से हम भयभीत हो जाते हैं, विभ्रति तत्प्रभवति स्म राजन, लास्ट लाइन, आप भक्त बन जाओ आपसे दुनिया डर जाएगी यार, यमदूत डर जाएंगे तो आप क्यों डर, आप क्यों डर रहे हो किसी से, पितृलोक से क्यों डर रहे हो, जब यमदूत डर रहे हैं आपसे तो आप पितृलोक से क्यों डर रहे हो, आपको क्या जरूरत है पितृलोक से डरने की, कोई जरूरत नहीं है डरने की, क्या होगा कुछ नहीं होने वाला, इतने सुंदर सुंदर शब्दों को पढ़ के दिमाग में डर ही खत्म हो जाता है, इसलिए जो भागवत और भागवतम और भगवद गीता के क्लोज रहता है उसको किस बात का डर है, भगवान बोलते हैं भजंती अनन्य मनसा ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, कितना सुंदर भगवान बोल रहे हैं, क्या इसमें डर के, पितृदोष क्या, पितृदोष कोई पितृदोष नहीं, एक ही दोष है हमको, धरती कहती है कि एक व्यक्ति मुझसे अभी उपदेश में कुछ टाइम पहले पूछ रहा था, प्रभु जी धरती पे बाहर भर रहा है, लोग बिल्डिंगे बनाए जा रहे हैं और बिल्डिंगे बन रही है, तो मैंने बोला इसमें धरती पे बाहर क्या बढ़ रहा है, पहाड़ों को काट लिया, पत्थर बना दिया, उन पत्थरों का पहाड़ों को काट के बदरपुर बढ़ गया, सीमेंट बढ़ गया, फिर एक बिल्डिंग बन गई, तो धरती का माल धरती पे तो लगा हुआ है, धरती बड़ी कहाँ, बोझ कहाँ बढ़ा धरती पे, बिल्डिंगे बड़ी बड़ी बन रही है, कहाँ बिल्डिंगे बड़ी बड़ी बन रही है, वो तो पहाड़ कट के बिल्डिंग बन गई, वो तो सीमेंट भी धरती में था और मैग्नीशियम और ये सारे आयरन धरती से निकले है, एक जगह पे स्टेट कर दिया तो भाव
भूमि देवी कहती है भागवतम के 12वें स्कंद के 3रे अध्याय में, मैं पृथ्वी पे अनंत लोगों का भार सह सकती हूँ, लेकिन जो लोग पाप करते हैं, अनर्थ करते हैं, उसका भार मुझे भारी लगता है, जीवों का भार भारी नहीं है। इमेजिन, तो धरती देवी कह रही है पाप का भार भारी है और कोई भारी नहीं है, तो इसलिए पितरों का भी कोई भार नहीं है और भूतों का भी कोई भार नहीं है, किसी का कोई भार नहीं है, बस मनुष्य के अंदर जो अनर्थ बैठे है वही भारी है, उसी को ठीक करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत अच्छा बताया, थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। आप सब लोग जो सुन रहे हो ना, मैं आप सब लोगों को एक 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 आपको डीप नॉलेज दे देता हूँ, सबसे बड़ा ज्ञान दे देता हूँ। जब तक आप अनन्य भक्ति नहीं करोगे ना, ना आप कृष्ण को समझ पाओगे, ना भक्ति को समझ पाओगे, ना भय निकलेगा, ना संसार की आसक्ति निकलेगी। जब तक कृष्ण भगवान है और बाकी सब भगवान की शक्तियां हैं, उनकी बेइज्जती नहीं करवा रहे हम, ये नहीं कि उनकी इज्जत भी उतार के उनको फेंक दो। कृष्ण को बाप मान लो, बाकी सबको अपना रिश्तेदार मान लो, और कृष्ण से जो गुरु है सर्वदेव मय गुरु, और वह सर्वश्रेष्ठ है, और आपका गुरु देवी देवताओं से श्रेष्ठ होना चाहिए आपकी नजर में, तब आपके अंदर ज्ञान रुकेगा और उसके बाद आपकी प्रगति होगी। अदरवाइज आप परेशान रहोगे, 20 साल के बाद भी अनन्य भक्ति नहीं करोगे, आपकी भक्ति की, आपकी साधना की कंप्लीटली ऐसी तैसी होगी, चाहे कुछ भी कर लो। भगवान अर्जुन को गीता में ये सिखा रहे हैं, भजंती अनन्य मनसा, अनन्य मनसा, अनन्य सिंचनतो माम ये जना परिपासते, अनन्यता चाहिए, भगवान की रिक्वायरमेंट है, मेरे को अनन्यता चाहिए। अनन्यता का मतलब होता है फेथ, आपको, आप मेरे लिए फेथफुल नहीं हो, मैं आपको राज क्यों बताऊंगा, आप मुझे जानते हो, मेरे लिए थोड़ा बहुत पहचान, जान पहचान है, पर्पस सॉल्व हो जाता है मेरे से, आपका आपसे मेरा, आप मेरा, भगवान कहते हैं तू मेरा भजन करता है मुझे खुशी होती है, इसलिए मैं तेरे को, तू मुझसे संसार मांगता है मैं दे देता हूँ, तू मेरा भजन करता है तू मुझसे संसार छोड़ के भक्ति मांगता है मैं दे देता हूँ, लेकिन तू तू मेरा भजन करता है और मुझसे, मुझे कहता है, मुझे भजन भी इसलिए करना है कि आपको प्रसन्न करना है, कहता है यू आर माई फेथफुल, अब मैं तेरे को सब कुछ दे दूंगा, ये अनन्य भक्ति है। तो ये जितने भी पाखंड हम करते हैं, इन पाखंडों से बाहर निकलना चाहिए। भक्तों के लिए पाखंड है, संसार वालों के लिए पाखंड नहीं है, उनके लिए अपग्रेडेशन होती है, उनकी उनकी उन्नति होती है, उनको करना चाहिए, लेकिन जो कृष्ण भक्ति करता है, कृष्ण भक्ति करी ले सर्व कर्म करते हुए, उसको कोई पाखंड नहीं करना चाहिए, कोई सारे पाखंड है, उसके लिए दुर्गा का व्रत भी पाखंड है, उसके लिए करवा चौथ भी पाखंड है, भक्त के लिए, बाकियों के लिए नहीं, बाकी लोगों के लिए अच्छा है, करो अपग्रेडेड अपग्रेड, लेकिन अगर आपको कृष्ण भक्ति में बढ़ना है, सब काट दो, सब काट दो सीरियसली। हाँ, ये दुर्गा भगवान की वैष्णवी है, इनको भी सम्मान, कोई सम्मान ऐसा नहीं देना, कोई भी तपस्या नहीं होनी चाहिए इनके सम्मान में, इनके सम्मान में केवल ऑनर होना, तपस्या केवल कृष्ण के लिए होनी चाहिए। एकादशी, ओके, वील कीप एकादशी, वी विल नॉट कीप रेस्ट ऑफ अदर एक्टिविटीज एंड अदर व्रता, बिकॉज नॉट मेंशन इन द शास्त्र। अनन्यता, भजते अनन्य मनसा, बस तब जाके कृष्णा समझ में आएंगे, नहीं तो हाँ थोड़ा थोड़ा भगवान के लिए कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करो भगवान के लिए, कुछ भगवान के लिए नहीं है। जितना क्लोज होगे कृष्णा से, जितना अनन्य भक्ति की तरफ बढ़ोगे, उतना आपका कल्याण होगा। हाँ, पति खुश होता है उसके लिए रख लो भैया करवा चौथ, सास खुश होती है रख लो नवरात्रा, लेकिन अपने लिए मत, अपने डर अपने भय के लिए मत रखो, बस कि मैं रखती थी मेरे को रखना है, वो मत करो बस। हाँ, पति को खुश करना है कर दो, कोई बात नहीं, पति खुश है कलेश नहीं होगा, रख लेंगे, सास रहती है रखो तो रख लेंगे, अगर अकेले रहते हो ना पति का प्रेशर ना सास का प्रेशर, अपना वहम ही वहम है तो छोड़ दो, लीव इट, एवरी व्रत लीव इट, अनन्य अनन्य भजते अनन्य मनुष्य, क्योंकि गीता बोलती है, भागवत बोलती है। हाँ, किसी के अंडर हो, माँ कहती है, बेटी कहती है, सास कहती है, पति कहता है, रखो, लड़ाई नहीं करनी, लेकिन अगर कोई कुछ नहीं कह रहा और आपके पास पूरी लिबर्टी है, पूरी शक्ति है, तो अनन्य भक्ति करो, मत फंसो इस जगत में, क्यों अपना समय बढ़ा रहे हो कृष्ण भक्ति छोड़कर। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी। एक्चुअली मैं यही मेंशन कर रहा था कि 2006 से लेके अब तक का जो प्रभु जी का एक्सपीरियंस है, उसका मूर्तिमान स्वरूप ये उपदेश है, जहाँ प्रभु जी मैच्योर नॉलेज दे रहे हैं, तो हम सबको थैंकफुल होना चाहिए, और प्रभु जी के ये जो ऋण है इसके प्रति बहुत कृतज्ञता और बहुत कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए इसके ऊपर,
कैसे प्रभु जी हमको इतना सब ज्ञान दे रहे हैं और हमारा कितना टाइम बचा रहे हैं, और नाम धक्के खाते धक्के खाए तो तरीका होता है, या तो धक्के खा के सीख लो या किसी सुंदर गुरु से सीख लो। तो हम लोगों को हम फॉर्चुनेट है कि हमें दूसरा ऑप्शन मिला, हम गुरु से सीख रहे हैं। तो धन्यवाद प्रभु जी आपका बहुत बहुत, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा तरफ से हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ माता जी दंडवत। प्रभु जी ये थोड़ा सा स्टूपिड वाला है बट मैं बता मतलब शेयर करना चाहूंगी। मैंने इसमें एक क्वेश्चन दिया, एक संस्था है बाहर की है इल्यूमिनाटी है मतलब डेविल करके, तो उसमें संस्था में ऐसा बोला जाता है कि वहाँ एक डेविल है और ये रियल है, क्रिश्चियंस ज्यादा फॉलो करते हैं बट इंडिया में भी धीरे धीरे चल रहा है, वहाँ एक डेविल है तो हम उसके साथ डील करते हैं डेविल के साथ कि वो हमें मटेरियल वर्ल्ड के सारे सुख देगा, पैसा देगा, सब कुछ देगा, फेम देगा, सब कुछ देगा, लेकिन बदले में हमारी सोल हम उसे दे देंगे कि मतलब आफ्टर डेथ हमारी सोल उसकी हो जाएगी, उसकी सेवा करेगी। तो इट इज पॉसिबल कि हम सोल किसी को हम इतने फ्री फ्रीडम है हमारे पास इतनी कि हम अपनी सोल ऐसे किसी को दे सकते हैं? तो आप बताइए। अरे भैया ये कॉन्शियस लोग आते रहते हैं तो आते रहेंगे, कोई ऐसी नहीं है। सोल कैसे दे सकते हो? आपका सोल पे आपका कंट्रोल ही नहीं है जब तक आप अनन्य भक्ति नहीं कर रहे, जब तक आप भगवान के भक्त नहीं हो। आप अपनी मृत्यु पे कैसे कंट्रोल कर सकते हो? वो तो आने वाली चीज है, आप कैसे रोक सकते हो? हमारी वे हम अपनी सोल कैसे किसी को दे सकते? सोल तो भगवान का अंश है ना, हम तो भगवान के अंश है। हम तो सेवक के ऊपर, कोई सेवक जो है ना, हमारी जो एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन है जीवर स्वरूप हो कृष्ण का नित्य दास, हम भगवान के नित्य दास है, हम खुद सेवक है। हम ऑथराइज होकर किसी को कोई चीज कैसे दे सकते हैं? एक नौकर किसी को अपनी कंपनी कैसे दे सकता है जिस कंपनी में वो काम कर रहा है? कंपनी किसी और की है, मैं साइन कर दूंगा तो ये फ्रॉड है, तो ये फ्रॉड चल रहा है। आपने वो कंपनी फ्रॉड कर रही है, वो कर रही है। पिक्चर आई थी ना हमारे टाइम में थी बाजीगर, उसमें यही था। वो कंपनी में उसको पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं, वो उसके नाम कर देते हैं, है ना, सब फ्रॉड करते हैं, वो फ्रॉड होते हैं। तो ऐसे ही फ्रॉड चलता है, ये सब फ्रॉड है। आप किसी कंपनी के, आप अपने शरीर के मालिक नहीं हो, आप अपने अपनी आत्मा के मालिक नहीं हो। आत्मा आपने नहीं बनाई, आत्मा भगवान ने बनाई है, आपको भगवान ने बनाया। तो आप अपने आप को किसी और को कैसे दे सकते हो? और वो भी ये कह रहे अपनी सोल को। अरे अपनी सोल नहीं, सोल ही हम है, हमारी सोल नहीं है, हम ही सोल है। उनको फिलोसफी क्लियर नहीं है। एक्चुअली वो लोग गीता भागवत नहीं पढ़ते, लेकिन यहाँ पे आप लोग गीता भागवत पढ़ते हो, आपके पास बहुत ऊंचा ज्ञान है। तभी तो मैं कह रहा हूँ हमारे हम कृष्णा कॉन्शियस। प्रभुपाद जी कहते थे कि जो कृष्ण भक्ति करता है ना वो सबको कभी भी शास्त्रार्थ में हरा सकता है, क्योंकि हमारे पास टॉप मोस्ट नॉलेज है, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। ये अहंकार की बात नहीं है कि हम अच्छे। आप सब जगह चेक करके आ जाओ, आपको पता चल जाएगा यू आर द बेस्ट, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द बेस्ट। वी हैव अ साइंटिफिक प्रूफ, वी हैव अ स्क्रिप्चर प्रूफ, वी हैव अ कंटेम्प्ट प्रूफ, एवरी प्रूफ भी है, सारे प्रूफ है हमारे पास। ऐसा नहीं है सिर्फ एक प्रूफ से कह रहे हैं, हम जनरल नॉलेज से भी बता सकते हैं, हम गीता नॉलेज से ही बता सकते हैं, हम कॉमन सेंस से ही बता सकते हैं, हर सेंस से बता सकते हैं। इसलिए सब ये सब कुछ क्या कहते हैं, कंटेम्पलेट कर करके चीजों को उल्टा सीधा कर करके परोसे जा रहे हैं बस, और कुछ नहीं। और लोगों को ना एक्चुअली मैंने देखा है स्टाइल अच्छा है लोगों के पास, है ना। जैसे पूतना थी ना, पूतना बड़े सुंदर स्टाइल में सच सवर के आई, बड़ी सुंदर, और इतनी सुंदर आई कि यशोदा को भी इम्प्रेस कर लिया, यशोदा ने भी अपने बेटा उसकी गोद में दे दिया। तो आप देख रहे हो किसी को अगर आप अपने स्टाइल से, तो कई लोग क्या करते हैं, कई लोग क्या कहते थे कि वंडरफुल पैकेजिंग बट वर्स्ट प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो पैकेजिंग वंडरफुल बट प्रोडक्ट जो है वो वर्स्ट है, वो वाली कंडीशन है। लेकिन हमारे हमारे पास क्या है, हमारे पास वंडरफुल प्रोडक्ट है, लेकिन हमारी पैकेजिंग इतनी बढ़िया हो नहीं पाती, हम कभी कभी नहीं कर पाते। लेकिन हम अगर अपनी पैकेजिंग अच्छी कर ले, श्याम सुंदर बाबू यही बोलते हैं कि हमारी पैकेजिंग में प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट बढ़िया है, तो हमारी पैकेजिंग अच्छी हो जाएगी और तो हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, शानदार प्रोडक्ट है। हमारी 9 लाख साबुन वाली पैकिंग है, देखा ना, ऊपर से खाली कागज है, अंदर बढ़िया साबुन है, पूरे कपड़े साफ कर देते हैं, और लोग इधर उधर की बढ़िया पैकिंग करके बना के बेच रहे हैं। वो उनकी पैकिंग अच्छी है, प्रोडक्ट में दम नहीं है, तो ऑल नॉनसेंस है। अच्छी ठीक है,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जैसे अभी हनी सिंह का भी एक बार रैप आया था, तो उसने ना इल्यूमिनाटी को उस रैप में हाईलाइट किया था, तो उस पर केस चला था। क्योंकि ना जो आजकल यूथ है, मतलब ये सारी चीजें ना इतना ज्यादा फैल रही हैं इंडिया में भी, और सब लोग इस चीज को इतना आगे आगे बढ़ के फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि सबको पैसा चाहिए और फेम चाहिए। तो इसलिए ये सारी, मतलब ये मुझे समझ में नहीं आया कि ये चल क्या रहा है। तो और ये सब इतना मिथ है, वो बोलता है कि जब आप मर जाओगे, अगर आपने डेविल को धोखा दिया इन द बिटवीन, कि मतलब आपने, उसने आपको सब कुछ दे दिया, उसके बाद अगर आपने डेविल को धोखा दे दिया, आपने उसकी बात नहीं मानी, तो मतलब वो आपको बर्बाद करते। मतलब बहुत ही अजीब सा है ये, और ये एक्चुअल में है, क्योंकि मैंने इसके बारे में गूगल में पढ़ा था, तो ये एक्चुअल में बाहर चलता है ये सारा कुछ। तो मतलब प्रभु जी, अगर मेरे से कोई इस तरीके से कोई बात करे, तो हाँ उसको गीता भागवत तो मैं कुछ बताती हूँ तो वो समझ में नहीं आएगा। और इन चीजों के लिए हम उसको मतलब कैसे बोले कि ये सब मिथ है और इन सब में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा लोग इस चीजों में इंटरेस्ट ले रहे हैं ना, इनकी बुक्स पढ़ रहे हैं और बहुत ज्यादा इन सब चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। तुम टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, तुम गीता भागवत का प्रचार करो इन्हीं लोगों को फोकस करके, और अगर तुम इनको ठीक करना चाहते हो तो अच्छा है, तो इन्हीं को फोकस करके और सीखो, और इन्हीं पे एक प्रोजेक्ट बना लो कि मेरे को इन्हीं को ठीक करना, तो भी अच्छा है, इनका कल्याण हो जाएगा। बाकी कलयुग है ना, कलयुग में एक्चुअली क्या ना, मैं बताता हूँ, लोगों की कॉन्शियसनेस बहुत नीचे गिरी हुई है, बहुत गिरी हुई है। तो गिरी हुई है, उनको ना सही चीज नॉलेज, अब गीता है, अब गीता 15 लोग पढ़ेंगे, मान लो गीता 20 लोगों ने पढ़ी, आपने पढ़ी, मैंने पढ़ी, और 18 लोगों ने और पढ़ी, और सबको, सब हर कोई गीता से अलग अलग चीज निकालेगा, और जब आप 18 लोगों के एक्सप्लेनेशन सुनोगे ना, तो आपको लगेगा वो वाला अच्छा था, और मतलब वो छोटा सा ज्यादा क्लोज था। वो क्लोज कैसे था, क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस उतनी ज्यादा ऊंची उठी हुई है, उसने गीता को ज्यादा पढ़ा है, वो गीता के हिसाब से जीवन जीता है, तो गीता भी खुल जाती है। अब ये जितने लोग है ना जो इनको समझ रहे हैं, वो गिरे हुए, बताने वाला गिरा हुआ है, लालची गुरु लोभी चेला नरक में दोनों का ठेलन ठेला, लोग गिरे हुए हैं इसमें ना कहीं भगवान की मर्जी भी होती है, क्योंकि लोगों को, लोग बहुत ही गधे ना बन के रहे, लोग पूरा खुले हुए ना रहे, मतलब थोड़ा बहुत चाहे गलत स्क्रिप्चर्स फॉलो करे चाहे कुछ करे, तो इन सबके अंदर किसी ना किसी चीज का भय रहना जरूरी है, जिससे कि वो थोड़े सिस्टम में आए, नियम में आए। तो इसीलिए तो कई बार भगवान भी इनको अलाउ कर देते हैं, तुम करो। और वैसे भी कलयुग है, ये युग ही ऐसे है कि युग में ज्ञान भी कंटेमिनेटेड है, अन भी कंटेमिनेटेड है, विचार भी कंटेमिनेटेड है, युग ही ऐसा है, तो कंटेमिनेशन का युग है। लेकिन तुम कितनी भाग्यशाली हो, अपने भाग्य के ऊपर प्रोत्साहना करो अब कि मैं बच गई, कृष्णा आई एम सेफ, समहाउ मैं बच गई, आई एम सेफ नाउ। तो ये अब मैं क्या करती हूँ, अगर तुम अपने जीवन में 20, 50, 100 लोगों को भी बचा पाए, देन यू विल बिकम ए डियर टू कृष्णा, तो भी तुम भगवान के डियर बन जाओगे। तो तुम ये सोचो कि जितना मैं कर पाऊंगी कर पाऊंगी, उस सेगमेंट को लोगों को ठीक करो, जितना कर सकते हो करो, जितना हो सकता है करो, जितना कृष्णा करवाना चाहे करे, और वो भी कब होगा, जितनी ज्यादा तुम शुद्ध होगी अंदर से, अपने विचारों से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, उतना कृष्णा तुमको ज्यादा अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिकली दे देगा। डर खत्म हो जाएगा, भय रहेगा नहीं, आसक्ति कमजोर हो जाएगी, ये सब जो है बंद वीक हो जाएंगे, क्रोध रहेगा, नहीं क्रोध हो रहेगा गलत चीज में, तो ऑब्वियसली क्रोध करना ही पड़ेगा, इस जगत में सब गंदगी है, यहाँ तो क्रोध बचा के रखना, हनुमान जी ने बचा के रखा त्रेता युग में, तो वो तो रहेगा ही रहेगा, है ना, अर्जुन ने बचा के रखा, सब लोग भीम ने बचा के रखा, क्रोध बचा के रखेगा लेकिन सेवा के लिए, काम बचा के रखेंगे सेवा के लिए, लोभ बचा के रखेंगे हरि की कथा के लिए, ये सब चीजें बचा के रखेंगे अच्छे पर्पज के लिए, ठीक है ना। तो तुम्हारा, तुम्हारे अच्छे भाग्य है कि तुमको समझ में आ गया और तुमको ये लग गया, और तुम कन्विंस हो इस चीज से, ये बहुत अच्छी बात है कि वो लोग गलत है, कहीं ये कन्विक्शन ना तुमको हो जाए कि हाँ वो भी कर रहे हैं, क्या पता वो ठीक हो। मैंने क्या बोला, अनन्य भक्ति, ठीक है। ओके प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, आप हमारी लाइफ में आए, यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है हमारी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, बस हमें ऐसे गाइड करते रहिएगा। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी और क्वेश्चन पढ़े चैट पे, 3-4 फटाफट ले लें या समापन करें? एक एक मिनट में इसका जवाब दे दो आप फटाफट, ठीक है।
मेरे को मत बोलो, आप दे दो फटाफट। थैंक यू प्रभुजी। तो मैं बोलता हूँ, पहला क्वेश्चन है कहाँ गया पंकजा माता जी, समटाइम्स द मेमोरीज ऑफ आर पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स लेट यानी कि जो चले गए विल बी कमिंग, हाउ टू डील विद द थॉट्स, वी विल फील लॉस्ट एट दैट टाइम। प्रभुजी तो बिल्कुल इसमें अब आपको भावना शून्य थोड़ी होना है, माता चली गई, पिता चले गए, दादा दादी चले गए, हमारा उनसे संबंध था, तो भावनाएं आएंगी, बिल्कुल आएंगी भावनाओं को, लेकिन जब आए तो उनके लिए फिर थोड़ी माला कर दो, ठीक है ना, उनके लिए कुछ गीता भागवत का एक आध श्लोक पढ़ लो, भक्ति में सेवा से उनको जोड़ दो, उनका कुछ दिन हो तो उस दिन थोड़ा भगवान की सेवा में दान दे दो, भक्तों की सेवा कर दो, बस हो गया, दिस इज द बेस्ट वे टू डील इट, ठीक है ना, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। आगे कह रहे हैं श्रेया सरोवरी माता जी के निर्माण इस संबंध से, इन भाग देवी भागवत पुराण इट इज रिटन दैट माँ जगदम्बा इज द जननी ऑफ ऑल अदर थिंग्स, कि देवी भागवत पुराण में लिखा है कि माँ जगदम्बा जो है सारे देवी देवताओं की जननी है, तो देवी भागवत पुराण जो है वो एक्चुअल पुराण नहीं है, ये महाराज बता चुके हैं कई बार कि देवी पुराण जो है वो एक्चुअल पुराण नहीं है, ये बाद में सब टाइम पास के लिए बनाया गया, और इस पर प्रभु जी अगर कमेंट करना चाहें, प्रभु जी ये ठीक बोल रहा हूँ मैं, ये बताएंगे भाई ना। देवी पुराण में देखो पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि प्रथम चतुर्व्यूम द्वितीय चतुर्व्यूम, देवी पुराण में देवी को बताया गया सर्वोपरि और बिल्कुल सही है, देवी बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है, देवी इस दुर्ग को ऑपरेट करती है ना, शी इज टॉप मोस्ट, ठीक है ना, तो ये इस दुर्ग की बात है, इस दुर्ग में देवी का जो रोल है वो बताया गया है, और ये नहीं बताया गया कि इस दुर्ग के अलावा अनंत अनंत दुर्ग है, उनमें अनंत अनंत दुर्गाएं हैं, तो यहाँ पे इस चीज को छुपा लिया गया, ठीक है ना, तो वहां पे एक ही ब्रह्मांड में एक ही ब्रह्मांड की चर्चा है, उसी ब्रह्मांड में दुर्गा का प्रकोप है, और जो दुर्गा के अंडर रहना चाहते हैं उनकी उनका विवरण है, इसलिए देवी पुराण में बोला गया कि दुर्गा से कृष्ण आए, सॉरी दुर्गा से ब्रह्मा विष्णु महेश आए, एक्चुअली ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा से नहीं आए, लेकिन हर ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, और दुर्गा ऑपरेटिंग सिस्टम का मैनेजमेंट का क्या कहते हैं टॉप मोस्ट डीपी है, डीपी नहीं प्रेसिडेंट है, तो शील मैनेज एक्चुअली उनको दुर्ग के लिए दिया गया। आप देखो अगर आपके पास यूनिवर्स का चार्ट होगा तो मैं आपको यूनिवर्स का चार्ट भेजूंगा, उसमें एक जगह पे दुर्गा ही है बाहर, मैं आपको यूनिवर्स का चार्ट भेजता हूँ, होल्ड करो, तो मैं फोटो खींच के सुंदर निताई को भेजता हूँ, सुंदर निताई प्रभु आप ये फोटो अभी अभी डालो, मैं आपको भेज रहा हूँ, या किसी को भेजो जो अभी हो यहाँ पे वन यूनिवर्स, उसमें देखो आप, मैं फोटो भेज रहा हूँ, किसको भेजू, कौन है यहाँ पे जो डाल सकता है अभी, यस प्रभु जी मैं डाल सकता हूँ, तनुप्रिया मैं आपको डाल रहा हूँ, आप इस फोटो को डालो, अभी क्लियर हो जाएगा इन सबके दुर्गा चालीसा वालों के क्वेश्चन के आंसर। हाँ स्क्रीन के बीच में जो फोटो है लाल रंग की वो है ब्रह्मा जी, और राइट साइड पे ऊपर है छोटे से शेरवाली माता के साथ में वो है विष्णु, और लेफ्ट साइड पे आप देखो ये वन यूनिवर्स है शिव जी, और इन तीनों से बड़ी फोटो है दुर्गा की, दिख गई आपको, चार बड़ी बड़ी फोटो दिख रही है, दुर्गा की फोटो सबसे बड़ी बनाई गई है, तो क्यों बड़ी बनाई गई है, क्यों बड़ी बनाई गई है, क्योंकि दुर्ग ये एक वन यूनिवर्स लिखा है, वन यूनिवर्स में ऑपरेटिंग मैनेजमेंट जो जिसके हाथ में है वो है दुर्गा, दुर्गा विल प्रोवाइड एवरीथिंग, फिर जब लेफ्ट ब्रह्मा जी के नीचे बड़े सारी लिखे हुए हैं, लिखे ना लिखा हुआ है सत्य लोक तपो लोक जन लोक मेहर लोक स्वर्ग लोक, तो वहां पर भी आप देखो गणेश जी दुर्गा और ये बड़े बड़े वो है बने हुए हैं, तो दुर्गा क्या है ना इन तीनों के साथ इसको ज्वाइन कर दिया, आप देखो ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ दुर्गा को डाल दिया, तो इमेजिन और उनसे बड़ी फोटो, तो इसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि दुर्गा बड़ी है, दुर्गा का कार्य बड़ा है, दुर्गा का कार्य बड़ा है, जब किसी आप कंपनी में जाते हो ना अपना सीवी लेकर जाते हो, और कंपनी वाला अपना परफॉर्मा देता है, कंपनी वाला क्या लिखता है, कंपनी में आपको एक 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 लेटर दिया जाता है कि आप इस कंपनी में सिलेक्ट हो गए हो, अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, चेयरमैन का उस पेज पे नाम ही नहीं है, अरे क्या जरूरत है रिक्रूटमेंट में अपने नाम डालूं बेकार के कामों में भाई, मेरा यही काम रह गया क्या कि हाँ मैंने अपने अपनी अपनी कंपनी में लोगों को भर्ती कर लिया, रिक्रूटमेंट में मैं अपना नाम डालूं, मुझे क्या जरूरत पड़ा अपने रिक्रूटमेंट में नाम डालने के लिए,
और एक एग्जांपल से समझता हूँ मैं और समझाता हूँ। आपकी माता जी ने आपके नाम पे घर कर दिया, प्रॉपर्टी में नाम लिखवा दिया कि शांति देवी का बेटा है कृष्णलाल, कृष्णलाल के नाम पे उन्होंने प्रॉपर्टी लिख दी सारी प्रॉपर्टी कृष्णलाल को शांति देवी ने दे दी। घर में कागजों में कौन मालिक हो गया, कौन मालिक है कागजों में, कृष्णलाल, लेकिन घर की मालिक कौन है, जो शांति देवी कहेगी वही होगा ना, कागजों में नहीं है। लेकिन ऐसे ही ब्रह्मांड है, हर ब्रह्मांड में अपने आप को भगवान नहीं डालते, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, अनंत पुराण है, कहां का भगवान अपने आप को डालेंगे। तो ये देवी पुराण केवल इस ब्रह्मांड के लिए फैसिलिटी प्रोवाइडर पुराण है, भक्ति से कोई मतलब नहीं है इसका। भगवान खुद कह रहे हैं गीता में, देवी ओषि गुण में मम माया दुरत्या, मेरी तो है ये देवी ओषि गुण मम माया दुरत्या, दुराचारी है, लेकिन मामे व्य प्रपद्यन्ते माया मेदाम तरंती थे। गीता से खोलो भागवत ये पुराणों को, पुराणों से गीता नहीं खोल सकते हो, इसीलिए जितने पुराण है ये सब कोडर है, कोडर। आप किसी मॉल में जाते हो ना, मॉल में जाते हो, आपको एक कपड़ा खरीदते हो, उसके ऊपर एक कोड बना होता है, जब तक वो कोड बना रहेगा आप वो घर नहीं लेके जा सकते। एक मशीन आती है जो पैसा कलेक्ट करता है, डी कोडर, गीता भागवत डी कोडर है, सारे के सारे प्रश्नों को खोलेंगे। इसीलिए देवी की बात हो रही है, देवी को खोल दिया गीता ने, कि भगवान कहते हैं देवी ओषि गुणमय मम माया दुरत्या मामे प्रपद्यन्ते माया मेतां तरंती थे। अरे भैया इस कंपनी में क्या जरूरत है चेयरमैन का नाम लिखने की, रिक्रूटमेंट में आपने 12 लोगों को सिलेक्ट कर दिया, नाम लिख दोगे इस कंपनी का धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, आपको अंबानी के रिलायंस के क्या कहते हैं एक स्टोर में फल बेचने की नौकरी दे रहा है, उसका ऑथराइज कर रहा है अनिल अंबानी, धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, क्या वो यही वेले बैठे हैं, वो एक लेटर बनाएंगे, अंबानी अपना साइन करके भेजेगा, जाओ 18,000 की सैलरी के एक रिलायंस के उसमें क्या कहते हैं वो रिलायंस स्टोर में एक व्यक्ति को 15,000 की तनख्वाह दे रहा हूं मैं, उस व्यक्ति का साइन कर रहा हूं, मेरे साइन से उसको नौकरी मिलेगी, और क्या उसको पल्ले पड़ा है, बेकार की चीजों में कौन पड़ेगा, वो तो उसके बॉस भी साइन नहीं करेंगे। तो सिमिलरली लाइक दिस ओनली, एक ब्रह्मांड वन यूनिवर्स, करोड़ों बगे यूनिवर्स है, करोड़ों करोड़ों यूनिवर्स, तो क्या एक यूनिवर्स के एक एक दुर्गा के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कृष्णा, लेकिन इसी लोक में दुर्गा के लोक में एक भक्त के लिए कृष्णा बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुव्रजामि अहम नित्यम निरपेक्ष मुनि शांतम निर्वैरम संदर्शन अनुव्रजामि अहम नित्यम, तो दुर्गा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन भक्त के लिए कृष्णा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसलिए भक्ति कितनी महान है, भगवान को अधीन करनी थी, इसलिए ये निकलो इन चक्रों से, तीनों फोटो देखो सब छोटी है, दुर्गा की फोटो बड़ी है, ये इस्कॉन वालों ने बनाया यूनिवर्स, और इन तीनों को, इन तीनों से बड़ी नहीं है ये, तीनों को ऑपरेटिंग सिस्टम इसके हाथ में, ठीक है, समझ में आया और डिटेल में सब। थैंक यू सो मच जी, अगला क्वेश्चन और लेते हैं फिर हम समापन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ये क्वेश्चन ज्योति माता जी, हरे कृष्ण जी, क्या हम राधा स्वामी से दीक्षा लेने के बाद हम इस्कॉन से दीक्षा ले सकते हैं, क्या कोई पापा तो नहीं है इसमें, घर वाले मान लेने पे बहुत बोलते हैं। राधा स्वामी कोई भी परंपरा नहीं है, उनसे दीक्षा भगवान की नजर में कोई दीक्षा ही नहीं है, दे आर नॉट ऑथराइज, दे आर नॉट इवन फॉलो गीता, दे आर नॉट इवन फॉलो भागवतम, और क्या बोलते हैं, मैं आपको 5 नाम दे देता हूँ, सोहम, आप बोलो सोहम है ना, सतनाम, ये तो बोलते हैं, मुझे 5 नाम पता है, उसमें क्या है। और भगवान एक सिंपल सा एग्जांपल बताओ, जो नाम भगवान का कल्याण करने वाला है उसको छुपा के देना चाहिए या खुल के देना चाहिए, उदार चित वो है जो चारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा है गुरु वही तारो यही देश, गुरु बनो और नाम दो तार दो, इसलिए हम खुल के बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और ये सोहम सतनाम ओमकार इनका कोई वैल्यू नहीं है, देयर इज नो रेलेवेंस, ये 5 नाम देते हैं कोई रेलेवेंस नहीं, इनका कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, एक व्यक्ति ने अपने मन से निकाल के बोल दिया सोहम ओमकार सतनाम, उनको क्यों फॉलो करे भाई, एक व्यक्ति विशेष है ये, कोई भगवान ने कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा, धर्म तो साक्षात भगवत परिणीतम, धर्म वो है जो साक्षात भगवान दे, अपने मन से कोई भी धर्म दे, और आप सोचते हो लाखों लोग वहां पर जाते हैं करोड़ों लोग वहां पर जाते हैं, जाने दो लाखों लोगों को, जाने दो करोड़ों लोगों को, जाने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे क्या फर्क पड़ता है, हीरे की दुकान पे तो कुछ कुछ लोग जाते हैं चुनिंदा,
जिसने तपस्या करने के लिए भगवान को, और आज से 100 साल पहले कौन से राधा स्वामी थे, कौन से निरंकारी थे, सारे सनातन धर्म फॉलो करते थे। ये तो सेकंड वर्जन ऑफ मुस्लिम है और कुछ नहीं है, जो भगवान को निराकार बोलता है। इट्स अ सेकंड वर्जन ऑफ कृष्ण, इट्स अ सेकंड वर्जन ऑफ मुस्लिम। कृष्ण अनन्य भक्ति करो, भगवान बोलते है अनन्य मनसा, मनोधर्म है, सब मन से चल रहे। मैं भी अपना धर्म बना दूंगा, मैं भी अपना धर्म बना दूंगा, इससे क्या होता है। कोई एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषो विदु, ये ज्ञान परंपरा से लो, इधर उधर से कोई जरूरत नहीं है लेने की, ठीक है, कोई रेलेवेंस नहीं है। अगर आपने कृष्ण से नहीं लिया और प्रमाणिक गुरु से दीक्षा नहीं ली तो आप कोई दीक्षित नहीं हो, आपका मन की भ्रांति है कि आप दीक्षित हो। वी आर नॉट अगेंस्ट ऑफ एनीबडी, बट वी आर वेरी मच क्लोज टू शास्त्रा, वी आर वेरी मच क्लोज टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस नेवर अलाउड टू टेक शेल्टर फ्रॉम समवेयर एल्स, दैट इज द शास्त्रा सेज, ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच सुजी फॉर द वंडरफुल क्वेश्चन आंसर सेशन। आपकी जय, श्री गुरुदेव की जय, समस्त गुरु परंपरा की जय, श्री प्रभुपाद की जय।